दिव्यांशी आयुष अभिषेक सार्थक निशा तथागत सुमित वंश रिया अरिशा मयंक नीलेश निखिल राज श्लोक भव्या पार्थ दिव्या <coughs> बहुत सारे नाम ले लिए आज खुश रहेंगे हम <coughs> कैसे हो आप लोग सब कुशल मंगल चल रहा है घर में सब ठीक ठाक है <coughs> हर्ष बेटा आज तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और तो नए टॉपिक का क्या नाम है नए टॉपिक का नाम है आपकी किताब में चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपके पहला चैप्टर हम इसके बारे में बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका क्वेश्चन आने की कोई चांस नहीं है मतलब बिल्कुल जिसे मैं कहूं तो इंट्रोडक्टरी है हाँ फिर भी ये कह देना कि हाँ बिल्कुल चांस नहीं है ये बात गलत है फिर भी थोड़ा बहुत चांस तो हो ही सकता है किसी सवाल के पूछने का लेकिन इसका कोई ज्यादा चा, चांस नहीं बनता है इसके साथ ही मैं एक और टॉपिक भी लूंगा वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हम चैप्टर नंबर थर्ड भी साथ में लेंगे यानी फर्स्ट भी लेंगे और थर्ड भी लेंगे तो ये दो टॉपिक हम आज करने का प्रयास करेंगे ओके फिर उसके बाद हम फ्रेमवर्क ऊपर आएंगे और बाकी सब टॉपिक्स पर आएंगे देखो सबसे पहले तो आपने वर्ड सुना हुआ है बहुत बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और क्या क्या सुना हुआ है तो, तो ये आज क्लास थियोरेटिकल है बट मुझे उम्मीद है आप उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा तो आपने एक वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना हुआ है और कौन सा वर्ड सुना हुआ है एक बच्चे ने कहा सर हमने गैप वर्ड सुना हुआ है एक बच्चे ने कहा हमने इंड एस वर्ड भी सुना हुआ है तो गैप का मतलब तो हो गया ए एस एंड एस। हम जब बोलते हैं गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स इसका मतलब है ए एस एंड एनडीएस मुझे फटाफट फड़ से बताइए क्या आप इंटरमीडिएट और फाइनल में जो पढ़ रहे हैं ये गैप पढ़ रहे हो फटाफट फड़ से बताओ गैप जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इसी में ए एस आते हैं इसी में इंड ए एस आते हैं इसी में आई एफ आर एस आते हैं इसी में यूएस गैप आते हैं तो मुझे ये बताइए क्या गैप बेसिकली जो है एक जनरल टर्म है द आंसर इज यस मुझे ये बताओ आप जब ए की तैयारी करोगे तो आप ए एस भी पढ़ोगे ए एस कहां पढ़ोगे इंटरमीडिएट में इंड एस कहाँ पढ़ोगे ये फाइनल में पढ़ोगे आई एफ आर एस आप पढ़ोगे ही नहीं यूएस गैप आप पढ़ोगे ही नहीं आई होप आपको समझ में आ गई है कि आपके इंस्टीट्यूट आपके को दो भागों में बांटा हुआ है बच्चा जो पढ़ेगा वो ए एस इंटर में पढ़ेगा और एस फाइनल में पढ़ेगा ओके तो इसी से बात उठती है कि सर ये एस क्या, क्या है हाँ ये भी उठती है कि सर ये आई एफ आर एस क्या है ये यूएस गैप क्या है ये भी सवाल मन में उठता है और हमें लगता है कि हमको इसके बारे में पहले जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि जो हम हम पढ़ 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 रहे हैं, वो exactly है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं हैं वो है क्या क्या क्यों पढ़ रहे हैं ठीक हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें करते <coughs> अच्छा, तो हुए जो -जो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अच्छा क्या ये थ्योरी भी आपकी हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है के अलावा एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है ठीक है इसका मतलब आपको अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं फिर भी मैं इसको यहाँ पर ठीक से लिखता रहूंगा ओके <coughs> देखो मैं आपको कुछ <coughs> बातें बताना चाहता हूं बात है उन्नीस सौ तो उनतीस की बात है उन्नीस की लगभग कितने साल पहले 100 साल पहले लगभग ठीक है अब अभी 24 चल रहा है उनतीस में पांच साल कम कर दो तो 95 हो गए मैंने राउंड ऑफ करके बोल दिया 100 साल पहले आपको मालूम है विश्व में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था क्या आपको ये बात मालूम है कि एक ग्रेट डिप्रेशन आया था डिप्रेशन मतलब तुम सरल भाषा में समझ लो मंदी का दौर इसमें कंपनीज और संस्थाएं क्या हो गई बी बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी टू बी वर्ल्ड के अंदर ही आया था और इस डिप्रेशन में इस रिसेशन में जो लोग दोषी पाए गए उनमें एक नाम अकाउंटेंट्स का भी था क्या आपको पता चला हमारे को तो उस वक्त जो है दोषी साबित किया गया वर्ल्ड के अंदर जगह जगह कि इन लोगों की वजह से भी मंदी आई है. है हम लोगों की वजह से अकाउंटेंट की वजह से भी मंदी आई है द आंसर इज यस हुआ क्या था उन दिनों के अंदर हम लोग अपने पास बेझिझक रिवैल्युएशन करते थे हर चीज का प्रूडेंस की बात करते ही नहीं थे हम कहते थे अच्छा प्रॉफिट कम है तो कोई बात नहीं रीवैल्यू करो प्रॉफिट बढ़ाओ और आगे चलो जिसकी उतनी वैल्यू नहीं उतनी वैल्यू तक उसको ले जाते थे क्या ऐसे करने पर कभी ना कभी तो बबल फूटना था कंपनी की वैल्युएशन बहुत हाई हो गई एक्चुअल में वैल्यूएशन वो है नहीं है तो बबल बस्ट हुआ और उसके अंदर कई कारणों में एक कारण ये भी पाया गया कि अकाउंटेंट जो थे उन्होंने तो फेयर वैल्यूएशन की उन्होंने तो प्रूडेंस फॉलो नहीं की इन्होंने समझदारी से काम नहीं किया तब से अकाउंटेंट्स के बीच में एक प्रूडेंट होने की भावना घर कर गई आपको पता चला कि प्रूडेंट हम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल हमारे पे दोष लगाया गया और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं क्या ये बातें आपको पता नहीं होनी चाहिए कि हिस्ट्री में आपके ऊपर का, काली स्याही फेंकी गई थी आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हारे पे काली फेंकी गई थी अंग्रेज राज करते थे और उनका एक चार्टर था और उस चार्टर के तहत हम लोग अपने वो अपने अंग्रेजों को ही सिर्फ सीए बताते थे हम लोगों को सिर्फ अकाउंटेंट बताते थे बट एनीवे वर्ल्ड में ये समस्या आई थी ये चलता गया इसके बाद एक नीड अराइज हुई नीड क्या अराइज हुई इसके बाद वर्ल्ड वॉर्स और ये सब कहानियों के साथ यहां वर्ल्ड वॉर भी हो चुका था एक और वर्ल्ड वॉर भी हुआ बाद में तो इसके बाद एक घटना घटित हुई कि वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग बॉडीज अकाउंटिंग बॉडीज बनना स्टार्ट हो गई हमारे पास <coughs> इंडिया में भी अकाउंटिंग बॉडी की स्थापना हुई 1949 के अंदर इंडिया में भी एक अकाउंटिंग बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या था थाउंटेंट ऑफ इंडिया खैर समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया इंपॉर्टेंट ईयर एक और आया वो आया 1970 एक और वर्ष इंपॉर्टेंट आया 1970 जब यूरोप के अंदर एक क्रांति आई क्या आपको मालूम है यूरोप के अंदर बड़े सारे छोटे छोटे देश हैं बड़े सारे छोटे छोटे देश हैं ठीक है ठीके? उन सारे देशों को जोड़ करके बोला जाता है यूरोप क्या मैं कहूं यूरोज़ोन क्या बोलते हैं यूरोज़ोन

तो उन्होंने अपने पास फ्री काम कर लिया क्या कर लिया प्री ट्रेड जोन बना दी उसी दौरान प्री ट्रेड जोन के दौरान ही उन्होंने कहा अपनी करंसी भी कॉमन क्यों ना कर दे तो उन्होंने एक कॉमन करेंसी रखी जिसका क्या नाम है फटाफट -फड़ से बताओ क्या नाम है यूरो, ठीक है? तो यूरो जो थे वो अल्टीमेटली 1970 के अंदर आए उसी दौरान 1970 में इस यूरो जोन ने यह तय किया कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक जैसे होने चाहिए कब बोला नाइनटीन सेवेंटी में उन्होंने कहा कंपनियों में पैसा यहां से यहां जा रहा है यूरोप के अंदर आपस में यूरो में यहां से यहां जा रहा है यहां से यहां जा रहा है तो अगर एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है स्विट्जरलैंड में वो अलग ढंग से बनाती है और वही जर्मनी में बनते हैं तो अलग ढंग से बन रहे हैं तो रिलायबिलिटी नहीं है तो इन्होंने जैसे करंसी एक कर दी इन्होंने उस वक्त क्या कर दिया इन्होंने कहा हम अपने यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक करना चाहेंगे और यहीं पर जन्म हुआ किसका जन्म हुआ आई एस सी इंटरनेशनल <coughs> का मतलब क्या है कमेटी और यहां पर मैंने वैसे आपको मेन बात बताई कि यूरो यूरो जोन बना यूरो बना <coughs> कंबाइन किया गया सब देशों ने अपने पॉइंट्स को और यहीं पर एक संस्था बनी जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी अमन ने कहा बोर्ड जी नहीं कमेटी बोल रहा हूं ठीक है तो 1970 में जो बनी उसका नाम कमेटी था चलो इसका क्या काम था इसका काम था कि ये अपने पास निकालेगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या निकालेगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि ये आईएएस निकालेगा जो यूरोप के अंदर अप्लाई होंगे और इस कमेटी का विजन डॉक्यूमेंट कहता था कि मैं वर्ल्ड में सब जगह स्टैंडर्डाइज करूंगा अपने आप को ओके इसका विजन डॉक्यूमेंट कहता था एनीवे anyway, और यहीं से सबसे पहले इशू हुआ आई ए एस वन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन फिर कौन सा आया आई ए एस टू क्या आपको समझ में आ गई इसके बाद ये सीरीज चलती गई और ये नए नए मुद्दों पर नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती गई ये सबसे पहले कहां बनाए गए यूरोप के अंदर बनाए गए किसने बनाया आईएससी ने बनाया क्यों बनाया क्योंकि यूरोजोन में सब चीजें इकट्ठी हो रही थी इसलिए बनाया गया ओके ये आईएस जो बने ये रिकमेंडेटरी थे रिकमेंड का मतलब क्या होता है मैंडेटरी थे कि रिकमेंडेटरी का मतलब है कि हाँ कंपनियों को एक ऑप्शन थी कि हां लगा लो तो अच्छी बात है तो शुरुआत में जब ये आए तो ये ऑप्शनल थे रिकमेंडेटरी थे। anyway, अब ऐसा चलते चलते जब चल रहा था ऐसा जब चल रहा था, तो उसके बाद 1977 में हमारे इंस्टीट्यूट को भी लगा कि हम भी अपने स्टैंडर्ड क्यों ना बनाएं? क्या इंडिया यूरो का यूरो जोन का पार्ट था नहीं था लेकिन चूंकि उस वक्त भी विश्व में हम अपने आप को स्थापित कर रहे थे तो हमारे देश के अंदर भी ये बात उठी कि जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं हमारा इंस्टीट्यूट तो उनको बनाए और यहीं पर ही हमारे देश में एक बोर्ड बनाया गया इंस्टीट्यूट ने बोर्ड बनाया आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ए हमारे इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसको ये जिम्मा दिया गया कि तुम भी जैसे विश्व में बन रहे हैं आई तुम भी अपने पास काम करो सौरव. <coughs> 1981 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने पहला एएस जारी किया जिसका नाम क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन पढ़ोगे भी द आंसर इज यस ऐसे करते करते वन भी आया टू भी आया थ्री भी आया आपको याद है सेवन तो आप पढ़ भी चुके इसका मतलब आपको आइडिया लग चुका कि अच्छा वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे इस तरह सीरियल में आते गए अच्छा ये क्या बाद में रिवाइज भी होते गए जैसे मैं कहूं कि वन टू थ्री फोर फाइव क्या ये रिवाइज भी होते गए द आंसर इज यस जैसे ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन जो था ये रिवाइज भी हुआ बाद में ठीक है तो यानी सीरियल में चलता रहा पहले कुछ और था बाद में कुछ और वो वो एक तर्क संगत बात है है कि ये सब होता रहता है। क्या इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड जो थे वो हमारे भारत में काम करने वाली संस्थाओं के लिए थे द आंसर इज क्या ये भी रिकमेंडेटरी थे ये भी रिकमेंडेटरी थे मतलब कंपनियों की मर्जी है व्यापारियों की मर्जी है कि वो उन्हें लगाएं या ना लगाएं <coughs> अगली घटना एक घटित हुई 1983 हम अभी चलते जाएंगे ना अभी तक तो आ ही रहे हैं चिंता ना करो खत्म नहीं हुए 1983 में फिर से वर्ल्ड के अंदर बड़े सारे सिक्योरिटीज को लेकर के कंपनीज के शेयर्स को लेकर के स्कैम्स हो गए फिर से क्या हो गए बड़े सारे वर्ल्ड में बड़े बड़े स्कैम्स हुए जो वर्ल्ड में स्कैम्स हुए तो इन ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा ना कई बॉडीज बनी थी एक बॉडी और भी बनी हुई थी जिसका नाम था आई ऑस्को आई ओ एस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन आप इनकी ना <coughs> I -O -S -C -O, लिखो जरा आपने गूगल पे तो इसकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको मतलब ये संस्थाएं बड़ी ताकतवर हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं है तो मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री में आपके साथ ये बात करी <clears throat> अब सुनिए जो ये आयोस्को था ये समझ लो हमारे देश के अंदर सेबी क्या आपको पता है क्या सेबी कौन है <clears throat> सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो हमारे देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है ठीक है तो क्या बड़ा ताकतवर है फटाफट -फड़ से बताओ क्या बड़ा ताकतवर है आंसर yes. बहुत ताकतवर है। और ये भी बच्चा है ऑस्को का ओ, तो सेबी जो है, वो भी किसका बच्चा है आई ऑस्को का वो बेसिकली क्या है ये एक मेंबर है आईओस्को का तो इसका मतलब इसका भी गुरु कौन है आईओस्को क्या आपको मेरी बात समझ में आती है आईओस्को ने 1983 के स्कैम्स के बाद कहा कि भाई हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए ये मैंडेटरी होने चाहिए ताकि ये स्कैम रुक सके तो पहली बात ये मैंडेटरी की चर्चा किसने की पहली बात चर्चा हमारे इंस्टीट्यूट ने नहीं की पहली ये चर्चा अब आईएससी ने नहीं की पहली बार यह चर्चा किसने करी आई को ने बोला कि भाई ये मैंडेटरी होने चाहिए चलो यहां से मैंडेटरी होने की शुरुआत हुई और चलते चलते वर्ष 2000 आया और 2000 तक की कि कितने साल लग गए फटाफट -फड़ से बताओ कितने साल लग गए 17 साल 17 साल में जाकर जो आई थी इसका पुनर्गठन किया गया और इसको बना दिया गया आई ए एस बी पहले क्या था इंटरनेशनल का क्या नाम बन गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अब समझ में आई एक बच्चा बीच में बोल रहा था आई एस बी एक्चुअल नाम एक्चुअल नाम बाद में बना ना ये पहले उसका नाम क्या था कमेटी था तो ये बन गया आई ए एस बी जिसको ये बीड़ा दिया गया कि तुम अपने स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी कराओ वर्ल्ड वाइड इसे वर्ल्ड वाइड क्या करो मैंडेटरी कराओ और इसने सबसे पहले क्या किया इसने गोद ले लिए आई एस जो थे एक दो तीन ऐसे करते करते कहां तक पहुंच गए थे वर्ष 2000 में 41 तक कहां तक पहुंच गए थे 41 तक आईएसबी ने जो पुरानी कमेटी के आई थे उन्हें क्या कर लिया गोद ले लिया गोद लेने का क्या मतलब हुआ गोद लेने का मतलब इसने बनाए नहीं किसी के द्वारा बनाए गए को कह दिया ये मेरे हैं ओके किसी और के थे अपने कर दिए उसने अच्छा और इसने अपनी नई सीरीज भी स्टार्ट कर दी और जो नई सीरीज स्टार्ट कर दी उसका नाम था आई एफ आर एस वन थ्री और ये चलता गया अभी तक कहां तक पहुंच चुका है अभी तक कहां तक पहुंच चुके हैं सत्रह नंबर तक और अठारवा बन रहा है ओके वो समय लगेगा एक आधा साल और लगेगा तो अठारवा भी आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये आई एफ आर एस की सीरीज आ गई इसको इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने इसको मैंडेटरी करवा दिया हालांकि आपको लगता है सारा काम 2000 में हुआ ये सारा काम 2000 में नहीं हुआ इन 17 सालों में बहुत काम हुआ 2000 में जाकर ये पुनर्गठन हुआ एक बच्चे ने पूछा कमेटी में और बोर्ड में क्या अंतर है नाम है बेटा जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना नया नाम ले आए नई संस्था बना ले और पुराने इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए कामों को अडॉप्ट कर ले ओके चार्टेड अकाउंटेंट्स कब आए वो तो आ गए ना 1949 के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट आ चुके थे ओके <coughs> अच्छा तो अब क्या हुआ यहां पर वर्ल्ड में इनको अप्लाई करना शुरू कर दिया आईएएसबी ने वर्ल्ड में प्रभाव डालने के लिए वर्ल्ड में प्रभाव डालने के लिए वर्ल्ड वाइड इनका प्रचलन किया <coughs> इनको प्रचलन को क्या बोलेंगे कि इनको फॉलो करने के लिए कहा लोगों को कि इन्हें फॉलो करो ओके बच्चे ने कहा आई एफ आर एस की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तो जैसे हमारे ए एस होते हैं जैसे हमारे देश में क्या होते हैं ए एस होते हैं तो यूरोप में पहले क्या थे मुझे फटाफट -फड़ से बताओ यूरोप में पहले क्या थे आईएएस थे और आई को गोद ले लिया गया वर्ष 2000 में तो क्या अभी भी आई जिंदा है फटाफट फड़ से बताओ क्या अभी भी आई जिंदा है हाँ अभी भी आई जिंदा जिंदा गोद ले लिया ना उनको मार ना दिया गया गोद ले लिया गया और क्या नए भी साथ में पैदा होने शुरू हो गए लेकिन नए 41 के बाद कोई पैदा आई नहीं हुए उसके बाद जो पैदा हुए उनका नया सीरीज का नाम क्या था उनका सीरीज का नाम था आई एफ आर एस आई जा रहे हैं और उनकी जगह आई एफ आर एस आते जा रहे हैं द आंसर इज यस आपकी जानकारी के लिए बता दूं दूरवा आया नहीं है पर अठारवा जब आएगा तो आईएस वन डिलीट हो जाएगा ओके okay, तो इसका मतलब समझ में आ गई कि आई एस 1 का ही नया रूप आने वाला आईएफआरएस 18 वो नया रूप आने वाला इट इट टेक्स टाइम तो ग्रेजुअली शुरुआत में ये 41 थे लेकिन ये अब कम होते चले गए कम होते चले गए आज 41 में से पता कितने बचे हुए सिर्फ 20 कितने बचे हुए हैं सिर्फ 20 और बाकी के सारे के सारे जो थे वो 17 स्टैंडर्ड में बन करके 17 यहां पर आ चुके हैं जब ये अठारवां भी आ जाएगा तो ऊपर उन्नीस रह जाएंगे और यहां पर अठारह हो जाएगा ओके अच्छा तो वर्ल्ड वाइड फॉलो करवाने के लिए इस बॉडी ने काम किया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज 2024 में वर्ल्ड के 150 देश IAS एंड IFRS अप्लाई करते हैं बताओ कितने देश 150 देश वैसे वर्ल्ड में टोटल कितने देश हैं वर्ल्ड में लगभग 200 देश हैं कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनको कुछ लोग देश बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा निकालना मुश्किल है लेकिन रफली 200 के आसपास आप देश बोल सकते हो 200 देशों में से कितने देशों में आईएस और आईएफआरएस लग रहे हैं 150 देश। क्या वर्ल्ड वाइड इनका प्रभुत्व बहुत बढ़ गया है द आंसर इज क्या इन 150 देशों के अंदर भारत भी शामिल है द आंसर इज यस इसमें भारत भी शामिल है क्या इसमें चाइना भी शामिल है द आंसर इज यस क्या इसमें अमेरिका भी शामिल है द आंसर इज नो अमरीका ने अपनी कटिबद्धता अपनी कमिटमेंट दिखा रखी है हाँ हम ये अप्लाई करेंगे लेकिन वो 2000 बता नहीं कितने साल हो गए उनको वो अभी तक उसको उसने अप्लाई एग्जैक्टली नहीं किया है तो अमरीका में आईएफआरएस और आई अप्लाई नहीं होते अमरीका में जो अप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं अमेरिका का यूएस गैप क्या अप्लाई होता है यूएस गैप ठीक है उन्हें वो बोलते हैं एएससी एस सी और वहां की संस्था है एफ एस बी वो बनाती है उनको ओके तो अमेरिका में ऐसा है पर क्या धीरे धीरे अमेरिका भी इसके भीतर चला आएगा yes, उसने कमिटमेंट कर रखी है ओके चलिए आपकी जानकारी के लिए और बताऊं 2000 के बाद वर्ष 2006 में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन हुआ क्या अभी जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन हमारे देश में भी हुआ था हम उसके प्रति, प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पिछले साल सितंबर में टी ट्वेंटी का शिखर सम्मेलन भारत में दिल्ली के अंदर हुआ ओके okay? ऐसे ही 2006 के शिखर सम्मेलन में हमारे तब के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने जी ट्वेंटी में ये वादा किया क्या वादा किया कि हम भी अपने देश में IAS एंड IFRS लेकर के आएंगे इसका मतलब भारत ने वैसे आज की डेट में मैंने क्या बोला है क्या भारत में ये आ चुके हैं द आंसर इज यस पर मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं और ये करंट डेट मैंने बता दी 2006 में हमने दो G20 शिखर सम्मेलन में ये वादा किया वर्ल्ड को कि हम भी अपने देश में क्या लेकर आएंगे हम भी अपने देश के अंदर IAS लेकर आएंगे और हमने इसके अंदर एक पॉइंट कह दिया हमने क्या बोला कि हम इनको इट इज अप्लाई नहीं करेंगे हम इनको इट इज अप्लाई नहीं करेंगे हम इनमें कुछ चीजों के अंदर बदलाव करके इंडिया में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो 150 देश है ना ये सारे के सारे डिटो लगाते हैं या हल्का फुल्का बदलाव करके लगाते हैं कि 150 देशों की मर्जी है तो भारत ने बताओ क्या रणनीति लगाई भारत ने कहा हम अपने देश में सीधे उनको नहीं ले आएंगे हम उनमें हल्का फुल्का क्या करेंगे बदलाव लाएंगे इस स्ट्रेटजी का नाम है कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी तो मुझे बताइए इंडिया में आईएफआरएस और आईएएस जो हैं वो अप्लाई किस स्ट्रेटजी में हो रहे हैं वो कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी में हो रहे हैं मतलब नहीं आ रहे थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं है पाकिस्तान में भी आईएफआरएस आ गए हैं पाकिस्तान में उन्होंने अडॉप्शन स्ट्रेटजी लगाई है व्हाट इज अडॉप्शन स्ट्रेटजी मतलब पाकिस्तान ने कहा भैया अपने दिमाग का बटन बंद करो जो आईएएस आईएफआरएस आईये में लिखा है डिट्टो कॉपी करके अप्लाई कर दो आपको मेरी बात समझ में आती है इसका मतलब इंडिया ने क्या अडॉप्शन स्ट्रेटजी लगाई या कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी लगाई इंडिया ने क्या लगाया इंडिया ने लगाया कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी और इंडिया ने इसके लिए वादा कब कर दिया था इंडिया ने वादा कर दिया 2006 में कि हम अपने देश में कन्वर्जेंस के माध्यम से आईएएएस और आईएफआरएस लेकर के आएंगे अब बारी आती है 2015 की 2015 में इंडिया ने अपने देश में इंड एस जिसका फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे नाम से लगता है कि शायद बाकी भी तो ए एस भी तो इंडियन ही थे बट इनको हम प्यार से इंड एस बोलते हैं इंड एस लागू कर दिए आ हा 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 जो कि कन्वर्ज्ड जो कि कन्वर्ज्ड आईएएस एंड आईएफआरएस है तो क्या मैं कह सकता हूं एंड जो है वो जो आपके आईएएस और आईएफआरएस थे उन्हीं का कन्वर्ज्ड फॉर्म है द आंसर इज उन्हीं का कन्वर्ज्ड फॉर्म है और इनमें जो चेंजेस कर दिए गए जो चेंजेस कर दिए गए कुछ चेंजेस क्या किए होंगे बताओ जरा चेंजेस में कुछ ऐड कर दिया होगा कुछ डिलीट कर दिया होगा ये तो किया ही होगा ना इंडिया वालों ने जब आई और आई को लागू किया तो क्या डिट्टो लगाया नहीं हम डिट्टो लगाने की हमने बात ही नहीं करी थी हमने कन्वर्ज किए थे कुछ चीजों को बदल दिया तो क्या बदला होगा कुछ लाइनें ऐड कर दी होंगी कुछ हटा दी होंगी ऐड करने को बोला जाता है कार्व इन क्या बोला जाता है कार्व इन तो इंडिया में जो आई थे आई और आई एफ आर एस थे उनमें क्या कर दिया गया कार्विन डाल दिए गए। अच्छा कुछ निकाल भी दिए गए जो निकाल दिए गए उसे क्या बोल दिया गया उसे बोल दिया गया डेट में सात जगह पर यह बदलाव है कितनी जगह पर बदलाव है सात जगह पर यह बदलाव है छोटे छोटे बदलाव और भी हैं उनको हम काउंट नहीं करते हम मेजर बदलावों की बात करते हैं बड़े छोटे छोटे जैसे बैलेंस शीट का नाम बदल दिया प्रॉफिट एंड लॉस का नाम बदल दिया नाम बदलने को मेजर नहीं मानते हैं आप जा अच्छी तरह जानते हैं किसी भी चीज का नाम बदल देने से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पर भी हम उनको इग्नोर करके सात मुख्य पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा बदलाव है इसका मतलब क्या हो गया ये हमारे पास 2015 में अप्लाई कर दिए गए जब यह अप्लाई किए गए तो इंडिया ने इन्हें सिर्फ कंपनीज के लिए अप्लाई किया बताओ तुम्हारे घर के पास जो दुकान है क्या वो इंडियस लगाती होगी जो दुकान है क्या वो इनको इंडियस लगाती होगी द आंसर इज नो ये कंपनीज पर भी अप्लाई किया गया और उनमें भी किन कंपनियों पर अप्लाई किया गया बिग कंपनीज पर अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे बिग कंपनी कौन सी होती है इनडीएस अप्लाई करते गए क्या इंडिया में जब ये 2015 में पंद्रह में आए तो क्या ए एस भी चल रहे थे इंडिया में फटाफट से बताओ क्या ए एस भी चल रहे थे इंडिया में द आंसर इज यस एस चलते चलते कहां तक पहुंच गए थे पहुंच तो वो गए थे 32 तक बाद में डिलीट कर दिए गए तो उनतीस तक के स्टैंडर्ड हो गए तो मुझे बताइए कितने हमारे देश में स्टैंडर्ड हो चुके तक हाँ, इनमें से कुछ डिलीट भी हो गए हैं कौन कौन से डिलीट हो गए हैं जो डिलीट हो गए वो रेलिवेंट नहीं है वो सिक्स एंड एट डिलीट हो गए उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो मोटा मोटा इसके अंदर कितने स्टैंडर्ड हैं इसके अंदर ट्वेंटी सेवन स्टैंडर्ड ओके और जो इंडिया में इंडीस अप्लाई किए गए वो कितने इंडीस हैं वो टोटल 37 इंडीस हैं कितने हैं 37 हैं जब ये स्टैंडर्ड्स आए 2015 में तो ये भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिए ये क्या कर दिए भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिए और हाँ ये बात भी आपको बता दें 2006 में 2006 में इंडिया ने एसबी मैंडेटरी कर दिए थे मुझे बताओ इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब से मैंडेटरी हो गए इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2006 से मैंडेटरी हो गए 2015 से हमारे पास इंड एएसबी मैंडेटरी हो गए ये सीरीज अभी भी चलती जा रही है 2015 के बाद कोई ऐसी प्रमुख घटना नहीं घटित हुई है जिसकी मैं चर्चा करूं मैंने आपको ये थ्योरेटिकल बात बताई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्या इनमें से कोई सवाल पूछे जा सकते हैं तो मैं आपको बताऊं, सवाल तो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखो आपकी स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने व्हाट डू यू मीन बाय आउट कारविन इन समझ में आई बात व्हाट डू मीन बाय कार्विन एंड आउट्स इन इंडियस तो कार्विन कारवाउट क्या है जो चेंजेस किए गए जो आईएफआरएस में चेंजेस थे उन चेंजेस को कार्विन और कारवाउट बोलते हैं तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वैसे क्या आप आपको एग्जाम में ये थ्योरी आने वाली है तो कुछ बच्चे बार-बार पूछ रहे थे ये आएगा कि नहीं आएगा तो मैंने पहली लाइन में ही चर्चा ये की थी कि आने के चांस कम है लेकिन तुमको बार-बार एक चीज को रिपीट कराने में मजा आता है ऐसे नहीं होता तो आपको साथ बता दिया कि इसके आने के चांस बहुत कम है फिर भी पूछे जाए तो आपको जवाब देना पड़ेगा अच्छा अमन कह रहा है क्या एएस में और इनडीएस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है कंफ्लिक्त ही कन्फ्लिक्ट है बट आपको देखना यह है आप पर अप्लाई क्या हो रहा है अगर आप पर एस अप्लाई हो रहा है तो आप ए एस की बात करोगे आप पर इंडस अप्लाई हो रहा है तो इनडीएस की बात करोगे तो कन्फ्लिक्ट आपके पास रेलेवेंट नहीं रहेगा मुझ पे जो लगेगा मैं तो उसकी बात करूंगा ओके बट अदरवाइज दोनों में गैप है दोनों में अंतर है अब मुझे ये बताओ क्या इतने से आपको ये समझ में आ गया कि ए एस क्या है आई एफ आर एस क्या है, क्या है? एस, गैप क्या है? आ, एस और एनडीएस में अंतर क्या है सागर बड़े सारे अंतर हैं बहुत सारे अंतर हैं ठीक है वो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं सीए फाइनल में जब पढ़ेंगे अभी तुमको ए एस भी नहीं पता एनडीएस भी नहीं पता पहले फर्क बता दो ओके okay, ऐसे नहीं होगा पहले आप एस पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में फिर सी ए फाइनल फिर आपको गैप दिखाई देंगे फिर समझ में आएगा अंतर क्या है इसके अंदर ओके okay? चलिए कौन से कंपनी क्या लगाएगी ये चर्चा भी होनी है तो मुझे ये बताइए आपका एक एस्पेक्ट ये था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था मेरे को अभी कुछ और बातें भी करनी है पहले मेरे को ये बताओ यहां तक का प्रिंट आउट ले लिया मैंने अब हम आगे चलते हैं अब हम कुछ और डिस्कशन करेंगे हमारे लिए एक और भी पॉइंट है जो कि थियोरेटिकल है मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करना चाहता हूं पहली बात एस का जन्म कैसे होता है एस कैसे आते हैं ठीक है ठीके? इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ऑफ ए एस एस आता कैसे है ये भी आपके लिए रेलेवेंट थियोरिटिकल पार्ट है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कैसे किए जाते हैं कुर्सी तो सबसे पहले भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कौन सी बॉडी है जो कार्यरत है फटाफट से बताओ कौन सी बॉडी है जो कार्यरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कुछ नहीं जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं उन चार्टेड अकाउंटेंट्स एक मिलकर के गठन कर रखा है ग्रुप का जैसे तुम्हारे स्कूल में नहीं ग्रुप बना देते थे तो वैसे छोटे छोटे ग्रुप तो वैसे ही ग्रुप बना दिया गया जिनको एक जिम्मा दे दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का तो सबसे पहले ये ग्रुप ना किसी मुद्दे को सोचता है कि जिस मुद्दे पर लगता है कि प्रॉब्लम चल रही है जिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए सबसे पहले वो उसको आइडेंटिफाई करता है ट्राई करिए मुझे आइडेंटिफिकेशन बताइए कौन सा मुद्दा चल रहा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो मैं किसानों का एग्जाम्पल लेना नहीं चाहता थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बच्चे ने कहा क्रिप्टो करेंसी का ले लो ओके क्रिप्टोकरेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए क्या मन में विचार उठता है कि क्रिप्टो करेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन ओके okay, उसका एग्जांपल हो गया बिटकॉइन तो बिटकॉइन की अकाउंटिंग कैसे हो के लिए सबसे पहले कौन सोचेगा के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा वो एरिया जहां पर उसको सोचना है तो इसका मतलब बताइए सबसे पहले स्टेप में ए क्या करेगा वो आइडेंटिफाई करेगा एरिया इसके ऊपर ए एस आना है सबसे पहले वो इसको आइडेंटिफाई करेगा फिर क्या वो उसके ऊपर अपनी कमेटियों में मीट कर करके उसका बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वर्ल्ड में क्या हो रहा है इंडिया में क्या होना चाहिए उस पर बेस्ड वो एक एक्सपोजर ड्राफ्ट निकालेगा ड्राफ्ट कच्चा ड्राफ्ट निकालेगा उसको बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट तो एस क्या करेगा वो इश्यू कर देगा एक्सपोजर ड्राफ्ट यानी एक कच्चा फॉर्मेट दे देगा कि ये होना चाहिए और ये पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा यानी कि क्या ये पब्लिक कमेंट्स के लिए आ जाएगा जो ये एक्सपोजर ड्राफ्ट है क्या इसका पब्लिक कमेंट के लिए इंस्टीट्यूट जारी कर देगा आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कभी देखा है आपने एक्सपोजर ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट की साइट खोली हो और वहां एक्सपोजर ड्राफ्ट दिखा हो आपको तो एक्सपोजर ड्राफ्ट वहां कई मिल जाएंगे अमन कह रहा है नहीं देखा तो अमन अभी अपने हाथ के आद लिखते जाओ एक्सपोजर ड्राफ्ट किसी भी मुद्दे पर लिख दो एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ एएसबी तो सामने आपके सामने कई आ जाएंगे ओके कई छोटे-मोटे बदलाव होते हैं हर बदलाव के लिए भी उनको एक्सपोजर ड्राफ्ट निकालना पड़ता है अच्छा <coughs> कुणाल कह रहा है पब्लिक में कौन-कौन होता है पब्लिक में आप भी हैं मैं भी हूं मेरे सामने छोले भटूरे वाला है, वो भी है दुकानदार भी है कंपनियां भी हैं सभी लोग हैं पब्लिक के अंदर तो ओके आम जब हिंदुस्तानी के लिए वो एक ड्राफ्ट आ जाता है भाई पढ़ लो और अपने विचार दे दो आम तौर पे उन्हें फोर्टी फाइव डेज मिलते हैं लोगों को कि पढ़ के अगर कोई विचार देने हैं तो विचार दे दो वैसे आप तो विचार नहीं देते लेकिन बहुत सारे लोग विचार देते भी हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए उन विचारों को क्या ए फिर इनकॉर्पोरेट करता है कमेंट्स वो इनकॉर्पोरेट करता है किसमें इनकॉर्पोरेट करता है एक्सपोजर ड्राफ्ट में वैसे सारे ही कमेंट इनकॉर्पोरेट कर लेता होगा या जो उसको लॉजिकल लगते हैं जो उसको लॉजिकल लगते हैं वो सारे थोड़ा ना पब्लिक तो अजीब अजीब बातें करती है सारे को थोड़ा ना ले लेंगे उसके अंदर उन्हीं को लेंगे जो उनके लिए रेलेवेंट होते हैं ओके फिर उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट आईसीएआई की काउंसिल को दे दिया जाता है अब ये आईसीआई की काउंसिल क्या है क्या आपको मालूम है हमारे इंस्टीट्यूट की एक सेंट्रल काउंसिल है हाँ बेचे बच्चे ने कहा आप भी कमेंट करते हो यस जहां मुझको लगता है कि कुछ है वहां जरूर करेंगे एक सेंट्रल काउंसिल है हमारे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक काउंसिल है अगर आपको पता हो तो उसी काउंसिल का जो शीर्ष नेता होता है प्रेसिडेंट बोलते हैं ओके इसका मतलब एक प्रेसिडेंट होता है एक वाइस प्रेसिडेंट होता है तो किसका होता है वो उस काउंसिल का होता है अच्छा ये काउंसिल बनती कैसे है ये काउंसिल चुनाव होते हैं और चुनावों से बनती है अभी इस साल चुनाव है नवंबर दिसंबर के महीने में इस साल चुनाव है

जन्म होने के बाद भी कुछ काम होते हैं अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भेज दिया जाता है एन एफ आर ए के पास नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी उनके पास ये भेज दिया जाता है ये नफरा क्या है ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एक कमेटी है भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एक कमेटी है जिसमें बड़े सारे लोग हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं भारत सरकार को पढ़ती है जो कहां से बनकर आया है फटाफट फड़ से बताओ जो कहां से आया है जो इंस्टीट्यूट की काउंसिल ने पास किया उसे नफरा फिर अपने यहां पर स्टडी करती है पढ़ती है कि ये क्या है और नफरा फिर अगर उसे ठीक लगता है तो नफरा उसे रिकमेंड करती है किसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी किसको रिकमेंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कि इन्होंने ठीक काम करा हुआ है और जब वो रिकमेंडेशन के बाद होता है तो मिनिस्ट्री उसको क्या उस रिकमेंडेशन को लेने के बाद वो उसे नोटिफाई कर देती नोटिफाई का मतलब क्या हो गया लागू कर देती है एक बात बताओ, affairs, अगर लागू करेगी तो आम जनता पे लागू कर सकती है कि कॉरपोरेट अफेयर कंपनियों पर लागू करेगी किस पर लागू करेगी वो वो कंपनियों पर लागू करती है इसका मतलब अल्टीमेटली यहां पर लागू हो जाते हैं ऑन कंपनी तो ये बताओ तो हमारी गली में छोले भटूरे वाला है फिर वो कौन से एस लगाता है जो काउंसिल ने अप्रूव कर दिए वही अल्टीमेटली नॉन कॉर्पोरेट में आते हैं दीपांशु नोटिफाइड और नोटिफिकेशन में फर्क इतना है एक वर्ब है और एक नाउन है मतलब दीपांशु अब मैं तुम्हारी पहले नेशनल इंसल्ट करूंगा और दो चार बच्चे दुबई के भी हैं इसलिए तुम्हारी इंटरनेशनल भी लाइसेंस अब इंसल्ट होगी घटिया क्वेरी भेजेंगे तो घटिया क्वेरी का जवाब आपको इंसल्ट के साथ दिया जाएगा नोटिफाइड नोटिफाइड में में और नोटिफिकेशन क्या अंतर है? है, है, क्रिया पर्व काम है नोटिफिकेशन कोई नाम है डॉक्यूमेंट है अब ये बताओ तुम्हारी दसवीं में कंपार्टमेंट आई थी अंग्रेजी में ये मुझे कैसे पता चला मुझसे पूछो बोलो शर्मा जी आपको कैसे पता चला कि दसवीं में कंपार्टमेंट आई थी तुम्हारी क्वेरी बता रही है कि तुमको अभी वर्ब और नाउन में अंतर नहीं पता है इसलिए तुम्हारी कंपार्टमेंट आई थी ओके घटिया क्वेरी आपकी हो गई दीपांशु की हो गई पूरी की पूरी इंसल्ट नालायक न्यू रूल्स इन एस में क्यों बनाए एस में और एड कर सकते नीरज जो हिस्ट्री को ना दोबारा सुनना तो आपको उसका बैकग्राउंड पूरा समझ में आएगा कि इंडियस बेसिकली यूरोप से आए हुए हैं ठीक है थीके? और एस हमारे देश के हैं चलिए तो मैंने कहा यहाँ पर आकर के हमारे पास ये आता है क्या आपका इंस्टीट्यूट ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस इज वन थ्योरी जो आपको करके जानी है मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है इसका शॉर्ट वर्जन आपको यहाँ लिखा मिलेगा ओके तो आपने अल्टीमेटली ये सब बातें बातें यहां से नहीं देखनी है क्या ये ये सब यहां लिखी मिलेंगी आपको देखो प्रोसेस ऑफ पर ये पांच स्टेप लिखे बस आपने ये पढ़ के जाना है ओके वैसे ही हमारे पास ये आई एफ आर एस पर कितनी बातें लिखी है देखो मैंने तो इतनी लंबी हिस्ट्री बताई ना आपको सिर्फ इतनी सी बातें बतानी है इतनी ही बातें आपको चाहिए आ, एक बच्चा कह रहा है आईसीआई नोटिफाई क्यों नहीं कर सकता भाई आईसीआई भारत सरकार नहीं है ना वो आईसीआई थोड़ा नोटिफाई करेगा चलिए आइए और आगे चलते हैं हम आपके साथ एक और बात करेंगे कि हमारे अकाउंटिंग कैंडिट्स का बेनिफिट्स क्या है क्या ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग आप बताइए बेनिफिट क्या होता होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने से बेनिफिट क्या होता है तो बेनिफिट ये होता है इससे कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है ऑफ फाइनेंशियल व्हाट इज कंसिस्टेंसी क्या आपने ए एस सेवन पढ़ा आपको नहीं लगता है कि अगर हम सभी एक जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए उसी प्रकार से प्रॉफिट निकलेगा तो ये कंसिस्टेंसी होगी साल दर साल भी आप उसको करेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो कंसिस्टेंसी होगी तो सबसे पहला फायदा कौन सा होता है कंसिस्टेंसी का ये कंसिस्टेंसी आता है और दूसरा फायदा होता है कि ट्रांसपेरेंट बनाता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है पारदर्शी कुछ लुका छिपी नहीं क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत जगह पर आप डिस्क्लोजर्स करते हैं बहुत जगह डिस्क्लोजर करते हैं छिपाते नहीं है क्या ये बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है कि नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर ट्रांसपेरेंट इसका मतलब ये हमारे पास दो फायदे हो गए इसके अलावा क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल बनाता है अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है कितने आसानी से समझा जा सकता है ये सब वैसे एक बात बताओ क्या आपको लगता नहीं कि बड़े थियोरिटिकल सा आंसर है ये बेनिफिट है भाई डिस्क्लोजर भी इसके अंदर अच्छे हो रहे हैं अंडरस्टैंडेबल भी है क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल भी बनाता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल भी बन जाते हैं द आंसर इज यस ये भी फायदा होता है कई फायदों की सूची में आपको ये बता रहे हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलेवेंट भी हो जाते हैं काम के हो जाते हैं वरना बकवास रहता हमने उसको जब ए एस लगाया तो रेलेवेंट हो गया समझदारी भरा हो गया ये उसके बेनिफिट्स हैं क्या आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यस तो ये आप अपने पास बेनिफिट्स बताएंगे दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग ओके अच्छा वैसे ही बताओ क्या यही बेनिफिट्स के भी होंगे हाँ पर मैं अब वर्ड इंड के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा बताओ क्यों बेनिफिट ऑफ और इन, भाई मेरे कोर्स में ही नहीं है इन्डेस. तो हम अब प्राइमरीली जो चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट घूम पर घूम के पूछ सकता है वट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एस ये थे बेनिफिट्स ऑफ एस अब आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ एस इसी बात को घुमा के पूछ रहा है वो जो बेनिफिट है वही तो ऑब्जेक्टिव है वही तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जैसे अब हम क्या कर देंगे बस अंग्रेजी को इस तरह से लिख देंगे हम बोलेंगे साहब कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होने चाहिए क्या होने चाहिए कंसिस्टेंट होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए कंसिस्टेंट होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए ट्रांसपेरेंट होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए कंपेरेबल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होने चाहिए रिलेवेंट इसका मतलब ये हो गया हम इन्हीं को सिर्फ ऐसे लिख देंगे कि ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक देम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसिस्टेंट ट्रांसपेरेंट अंडरस्टैंडेबल कंपैरेबल एंड रिलेवेंट यानी उसी को हमने अपने पास बस घुमा के लिखना है पर आपके एग्जाम में यह भी सवाल पूछा जा सकता है तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप ना आप जो हमारी चर्चा है इसके बाहर कुछ मिलेगा नहीं आपके एग्जाम में इसी में से सवाल आएगा पर आपको ये बातें ध्यान रहनी चाहिए कि अच्छा ठीक है यार चार पांच गोलमाल पॉइंट हैं ये भी आपको लिखने पड़ जाएं तो आप लिख सकते हैं ओके मैं एक बात और बताना चाहता हूँ प्रकाश कह रहा है कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी मतलब मेरे पिछले साल जो किया था वही अगले साल कर रहा हूं ऐसा नहीं कि अगले साल कुछ नया काम करना शुरू कर दिया उसके अंदर अगर मैंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन से पहले प्रॉफिट निकाला था उसी से आगे ले आ रहा हूं तो ये हमारी कंसिस्टेंसी है। इससे क्या हो जाते हैं से रिलायबिलिटी आती है ओके <coughs> जैसे मैं आपसे कहूं मैं आपको कहता हूँ रोज क्लास सुबह साढ़े छह बजे होगी क्या इससे रिलायबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है मैं कभी मैं साढ़े छः रख, रख दू कभी बजे रख दूँ कभी बजे रख दू कभी शाम को रख तो आप बोलेंगे यार पागल कर दिया रिलायबिलिटी नहीं है यार पता नहीं आपका रिलायबिलिटी के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ओके okay? तो अल्टीमेटली ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं एक और क्वेश्चन जो हमारे लिए पूछा जा सकता है वो एंड एस के लिए पूछा जा सकता है एंड एस का बेनिफिट क्या है क्या यूज क्या है क्या सिग्निफिकेंस क्या है क्या आप समझ पा रहे हैं एक ही क्वेश्चन है उसका आंसर वही है वो पूछ सकता है इसके बेनिफिट बताओ वो पूछ सकता है इसका यूज बताओ वो पूछ सकता है इसका सिग्निफिकेंस बताओ <coughs> तो एंड एस में हमारे क्या यूज है तो सबसे पहले हमारे को ग्लोबल कैपिटल जो वर्ल्ड में कैपिटल आ रही है <coughs> उसका यूज होता है अगर मेरी कंपनी में इंड एस लगे हैं तो विदेशी लोग इन्वेस्ट करने में आसानी महसूस करते हैं अगर मैं अपने यहां पर इंडिया के एस लगाता हूं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरमीडिएट वाले तो विदेशी लोग पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होते उनको लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लेकिन जब मैं इंडस लगाता हूं तो वो हमारे पास पैसा लगाते हैं वैसे क्या हमारे इंडियास और विदेशों के स्टैंडर्ड जो आईएफआरएस थे क्या काफी हद तक एक जैसे ही हैं फटाफट से बताओ क्या काफी हद तक एक ही जैसे हैं हाँ कितने फर्क हैं बस कितने फर्क हैं मुख्य फर्क कितने हैं सिर्फ सात ज्यादा है ही नहीं है इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं इंडिया लगभग आईएफआरएस पूरे के पूरे लगा ही रहा है आंसर इज या सीए फाइनल पढ़ने के बाद वो सात पॉइंट भी बताए जाएंगे आपको कहां कहां फर्क है कि आपको विदेशी भी परसेंट विदेश नॉलेज हो जाएगी ओके तो अगर विदेश की भी नॉलेज हो गई तो इसका मतलब कल को आप अगर मान लो फाइनल पढ़ने के बाद विदेश में जाकर काम करना चाहोगे तो आपको उनके स्टैंडर्ड दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे वही होंगे बस उसमें कुछ ए, पांच सात डिफरेंस हैं हमारे पास रेलेवेंट वो हैं और कुछ नामों के भी फर्क हैं लेकिन वो मेजर डिफरेंस नहीं है ध्यान दें मैं फिर से कह रहा हूँ सात मुख्य डिफरेंस हैं इसका मतलब क्या डिफरेंस इससे ज्यादा है द आंसर इज यस पर मुख्य डिफरेंस सिर्फ सात है ओके okay? बाकी डिफरेंसेस ना नामों के हैं रिमूवल ऑफ ऑप्शंस के हैं इस तरह के बेकार के डिफरेंस है वो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है तो मुझे बताओ इंडियस हमारे देश में आएंगे तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस या यूज या बेनिफिट क्या है ग्लोबल कैपिटल हमारे पास आ जाएगी दूसरा क्या हमारी ग्लोबल लिस्टिंग भी हो जाएगी ग्लोबल लिस्टिंग ग्लोबल लिस्टिंग मतलब हमारी कंपनियां जो इंडिया में काम कर रही हैं, वो विदेशों के स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट होने में आसानी होती है अगर हमने अपने पास इन लगा रखे हैं विच आर मोर और लेस तो विदेशों की स्टॉक एक्सचेंज उनको एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी लिस्टिंग वहां करवा देती है तो ये दूसरा फायदा हो गया आपको और तीसरा फायदा आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं तो इफेक्टिव कैसे हो गए अगर मान लीजिए हमारे देश में इन ना आते तो क्या इंडिया में आप एस भी लगाते और विदेशों के लिए आप फालतू में इन, आ, 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 आई एफ आर एस भी लगाते फटाफट -फड़ से बताओ अगर आपकी कंपनी है जैसे इंफोसिस की बात करते हैं इंफोसिस जब तक इंड एस नहीं आए थे 2015 तक बेचारी वो कंपनी एस में भी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी इंडिया के लिए और इसके अलावा विदेशी लोगों के लिए रूपांतरित करके दोबारा से बनाती थी वो स्टैंडर्ड्स स्टे, लगाती थी तो उनको क्या दो बार कॉस्ट पड़ती थी यानी उसी ट्रायल बैलेंस से दो प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैदा करने हैं एज पर ए एस बी और एज पर आई एफ आर एस भी तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था पर क्या इंडिया में ही अगर आई एफ आर एस आ गए तो क्या इंफोसिस को एक ही बार मेहनत करनी है वही इंडिया में चल जाएगा वही विदेश में चल जाएगा तो यानी ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया तो बताइए पर अगर कोई पूछ ले तो फायदे कितने हैं ये तीन फायदे हैं ओके ये ध्यान रहेगी बातें कि नहीं रहेंगी एक बात और बताना चाहता हूं ये सब बातें आपको चिंता ना करो नोट्स में लिखी मिलेंगी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पार्ट्स क्या होते हैं क्या इसमें इश्यूज कौन कौन से हैं जो डेल्ट होते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन मुद्दों को डील करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन मुद्दों को डील करता है हाँ, हेमंत कह रहा है फिर तो अमेरिका के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है द आंसर इज यस और ये अभी अमेरिका के लिए नहीं हमारे लिए भी प्रॉब्लम है संचित कह रहा है ग्लोबल लिस्टिंग में फिर से बताओ संचित तुमने एक स्टार्टअप बनाया इंडिया से कैपिटल रेस करी तुमने तुमने अपने एएस लगाए और तुमने अपने पास कैपिटल रेस कर दी अब तुमने अमेरिका से भी पैसा उठाना है अमेरिका में तुमने अपनी कंपनी को लिस्ट भी कराना है तो क्या तुम्हें यूएस गैप फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं क्योंकि अमेरिका में तो तुम्हें अमेरिका के स्टैंडर्ड अप्लाई करने अमरीका में तो आई आई नहीं अभी तक क्या तुम्हारी कॉस्ट दो बार लग रही है फटाफट से बताओ

अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर्स होते हैं फटाफट से बताओ क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर्स होते हैं द आंसर इज़ यस क्या आपको याद है किसी स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर की लिस्ट हाँ सर हमने ए एस सेवन में डिस्क्लोजर की लिस्ट बना रखी थी तो आपका हर स्टैंडर्ड हर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर की बात पक्का करेगा ओके okay. दूसरी बात आपके मोस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन की बात भी करेंगे प्रेजेंटेशन का मतलब है बैलेंस शीट पी एंड एल में आप उसे प्रस्तुत कैसे करें क्या आपको याद है हमने इसके बारे में भी इस एक चर्चा हुई थी ग्रॉस डेटर ग्रॉस क्रेडिटर को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे क्या इस बारे में आपने चर्चा की थी तो वो चर्चा हम मेरी मर्जी नहीं चलेगी किसकी मर्जी चलेगी एएस ने कुछ प्रेजेंटेशन बता रखी है कि ग्रॉस डेटर को ऐसे प्रेजेंट करना प्रोविजन को उसके साथ नॉक ऑफ करके प्रेजेंट करना इसका तो मतलब क्या हर स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन की बात भी करेगा पोस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन की बात करेगा कुछ एक स्टैंडर्ड हैं जिनमें प्रेजेंटेशन की बातें नहीं है वो कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं जिनमें रिलेवेंट नहीं होती है फोर मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड आपकी प्रेजेंटेशन की बात भी करेंगे मोस्ट ऑफ देंट की बातें भी करेंगे हाउ टू मेजर क्या आपके ए एस सेवन ने रेवेन्यू मेजर करने का तरीका बताया था मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड आपको मेजरमेंट भी सिखाएगा मेजर का मतलब है अमाउंट निकालना अमाउंट निकालना उसे बोलते हैं मेजरमेंट ओके okay? तो मेजरमेंट की बात भी करेगा और फिर रेकोगेशन बेसिस रेकोगशन का बेसिस का मतलब है हमें कब अपनी किताबों में एंट्रीज डालनी चाहिए जैसे ए एस सेवन के अंदर हमें अपने पास आउटकम अनसर्टन है तो रेवेन्यू बुक करना चाहिए कि नहीं या आउटकम सर्टन है तो बुक करना चाहिए कि नहीं कॉस्ट प्लस में कैसे रेवेन्यू बुक बुक करना चाहिए इसका मतलब ये हमारा हर स्टैंडर्ड कंडीशन बताता है कब तो बुक करें कितना करें कैसे दिखाएं, क्या बताएं, ओ, क्या आपको समझ में आ गई हर स्टैंडर्ड में आपको इनमें मेजॉरिटी बातों के जवाब मिलते हैं क्या बताना है कैसे दिखाना है कितना अमाउंट दिखाना है कब दिखाना है यहाँ कंडीशन होती है कब दिखाना है ये अमाउंट होता है कैसे कैलकुलेट करना है इसे प्रस्तुति बोलते हैं कि कैसे प्रस्तुति की जाती है और क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इश्यूज हैं क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि आप इतने सारे एएस पढ़ रहे हैं इन एएस के इश्यूज कौन से है? आप आपका नहीं नहीं नाम बताओ भाई मेरे मैं सबका आंसर दे दूंगा But you must know कि आपके स्टैंडर्ड किन-किन एरियाज़ को डील कर रहे हैं तो ये है, बट आपको ये आने है? कि हमारे पास क्या है, एक बच्चे ने फिर बोला, क्या होती है? ये आप कोई स्टार्टअप बनाओगे तो पैसा शार्क टैंक से ही रेस करोगे कि आप अमेरिका से भी रेस कर सकते हो बताओ अब ये तो नहीं कह सकते और शार्क टैंक जो इंडिया वाला है भी विदेश से ही आया हुआ है विदेशों के अंदर भी ऐसे ही होता है जब आप विदेशों में जाकर कैपिटल रेज करते हो तो आप वहां पर अगर ए एस एस लगा रहे हो भारत के देसी तो बात नहीं बनेगी आपको वहां आईएफ लगाने पड़ते हैं इसलिए आपने अगर इंडिया में ही आई एफर इंडस लगा दिए तो बाहर आपको आसानी होगी ये पॉइंट है ओके okay? <coughs> अनन्या मैंने कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट बता दिया कि बेटा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल दर साल एक जैसे हो तो अच्छी बात होती अगर एमसीए कंपनी के लिए है फिर अभी आप में से कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज को मैं इग्नोर कर रहा हूं जिनमें वो बोल रहे हैं कि इन कंपनियों के लिए लिए कैसे कैसे अप्लाई होगा उनके लिए कैसे, मैंने भी इस मुद्दे पे पहुंचा नहीं हूं तो आपकी क्वेरी का आंसर मैं नहीं दे रहा प्रखर ने एक क्वेश्चन पूछा है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चार्टेड अकाउंटेंट को कोई थ्रेट है द आंसर इज नॉट एट ऑल कोई थ्रेट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने दिमाग में बिल्कुल शांति रखें जैसे सॉफ्टवेयर ने आपका जीवन सरल कर दिया वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपका जीवन सरल कर देगा बस लेकिन वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा वो आपकी सहायता करेगा कि आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा डेटा एनालाइज करना प्रोसेस करना प्रेजेंट करना बट तो ऐसा कभी ना होगा कि हम कहें छोड़ो तुम्हारा जरूरत नहीं है हम अपने पास इसी से काम करा लेते हैं ओके कुछ एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं मान लो पहले मैं अपने पास रिपोर्ट ड्राफ्ट करता था मेरा काम ही अंग्रेजी में ड्राफ्ट करने का था काइंड ऑफ जॉब्स में गो अदरवाइज आपको चिंता नहीं होनी ओके <coughs> <Okay? coughs> अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका एक बेसिक पॉइंट था आइए क्या आप मेरे साथ साथ चेयर देना <coughs> क्या आप मेरे साथ साथ इधर आ जाओ <coughs> और अब मेरे साथ साथ रीड करो आपको एग्जाम के लिए जो पढ़ के जाना है वो ये है एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना है की बात है। सिर्फ सिंगल पेज है। पेज है। दूसरा नंबर नहीं है सिर्फ जितनी मैंने कथा करी सिर्फ इतना पढ़ना है कोई दिक्कत तो नहीं सिर्फ एक पेज में ये समरी है फटाफट से एक बार इसको थ्रू करेंगे बताओ स्टैंडर्ड कितने तरह के हैं बताओ भाई स्टैंडर्ड कितने तरह के हैं इंडिया के कंटेक्स में बात चल रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हीं को शॉर्ट में क्या बोलते हैं इन्हीं को शॉर्ट में बोलते हैं इंडिया एप्लीकेबल <clears throat> टू इंटरमीडिएट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इनके लिए एप्लीकेबल है ये कौन इश्यू करता है फटाफट -फड़ से बताओ ये कौन इश्यू करता है ये इश्यू करता है आईसीएआई ठीक है अभी इस बारे में ये थोड़ी सी करेक्शन लगा देंगे यहां पर ये लाइन डिलीट कर देंगे दीज आर इश्यूड बाय आईसीएआई फॉर कंपनीज एंड नॉन कंपनीज कि आपने करेक्शन लगा दी फटाफट से बताओ तो ये आप अपने पास करेक्शन लगा चुके हो तो मुझे बताएंगे आईसीआई फॉर कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके हैं एक से लेके उनतीस तक लेकिन छठा और आठवां उसमें से विड्रॉ हो चुका है इफेक्टिवली कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? इफेक्टिवली ट्वेंटी सेवन है आपके कोर्स में ऑल ट्वेंटी सेवन आपके कोर्स में है आपके कोर्स में सत्ताईस के सत्ताईस आप पढ़ोगे बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट है ये स्टैंडर्डाइज कर देता है कंसिस्टेंसी बढ़ा देता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता है अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है कंपेरेबल बना देता है क्या आपको ये ध्यान रहेंगे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स <coughs> क्या हैं? इससे हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट हो जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो जाते हैं अंडरस्टेंडेबल हो जाते हैं कंपेयरबल हो जाते हैं रेलिवेंट ये आपने सब याद रखने हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन मुद्दों को डील करता है रेकोग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का प्रोसेस क्या है सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या बनाता है ड्राफ्ट बनाता है फिर वो ड्राफ्ट कहा जाता है पब्लिक कमेंट्स के लिए जाता है उसे एक्सपोजर ड्राफ्ट बोलते हैं उन कमेंट्स पर बेस्ड हम चेंजेस करते हैं उस ड्राफ्ट में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई की काउंसिल अप्रूव करती है और नए स्टैंडर्ड का जन्म होता है फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड किया जाता है बाय नफरा और एमसीए उसको अप्लाई कर देती है ओके ये पांच स्टेप्स आपको पता होने चाहिए <coughs> हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री मैंने तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर बेस्ड है ग्लोबल स्टैंडर्ड पर बेस्ड है ग्लोबल स्टैंडर्ड जब हम बोलते हैं तो ये कौन से ग्लोबल स्टैंडर्ड है फटाफट से बताओ कौन से ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं जो आई ए एस बी ने इशू किए इसका ओरिजिनल नाम क्या था आई एस बी का ओरिजिनल नाम क्या था इसका ओरिजिनल नाम था आई ए एस सी बाद में ये किस साल में आके इसका नाम बोर्ड बन गया किस साल में आके बोर्ड बन गया 2000 में हार्मोनाइज मतलब एक जैसा करना सिमिलर करना ये वर्ष 2000 में बन गया ये क्या इशू करती है फटाफट से बताओ <coughs> ये आईएफआरएस इशू करती है इसके जो पुराने स्टैंडर्ड थे उसका क्या नाम था इसका नाम आईएएएस था अभी <coughs> लगभग कितने स्टैंडर्ड हैं अभी लगभग एग्जैक्टली exactly कहो तो 37 है दो तीन प्रोसेस में है तो 40 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में आज की डेट में अगर मैं बोलूं <coughs> 21 फरवरी 2024 तो ये कितने स्टैंडर्ड है एग्जैक्टली exactly जो आ चुके हैं 37 है लेकिन कई स्टैंडर्ड की सीरीज चल रही है इस वजह से लगभग 40 भी बोला जा सकता है <coughs> आदिपांशु नफरा रिकमेंड करती है एमसीए नोटिफाई करती है ओके अल्टीमेटली दोनों भारत सरकार की से, पार्ट से, लेकिन एक रिकमेंड करती है और फिर दूसरी संस्था उसको नोटिफाई करती है इंडिया ने कब वर्ल्ड को बोला कि हम अपने देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड लाएंगे इंडिया ने कब बोला 2006 में बोला और 2015 में इंडिया ने सभी कंपनियों पर अप्लाई कर दिए बिग कंपनीज पर अप्लाई किए सिर्फ तो बिग कंपनी पर अप्लाई कर दी एट दैट टाइम एट द टाइम उस समय की बात कर रहा हूं उस समय किन कंपनियों पर अप्लाई किए उन समय जिन कंपनियों की नेटवर्थ मोर देन और टू 500 करोड़ थी उन पर इंडिया ये 500 करोड़ की लिमिट 250 करोड़ हो गई है लेकिन एट दैट टाइम वो लिमिट कितनी थी 500 करोड़ थी अब मुझे ये बताओ <coughs> अगर आपके पास मैं बात करूं जिनकी नेटवर्थ जिनकी नेटवर्थ ढाई सौ करोड़ या उससे ऊपर है वो क्या है वो बड़ी कंपनियां सुधांशु आप लोग अपने पास अराउंड लिखेंगे क्योंकि ना इसके अंदर कई चीजें बढ़ती घटती रहती हैं। तो क्या होता है कोई विड्रॉ हो रहा है कोई आ रहा है तो जब तक आपके एग्जाम है वो एग्जैक्ट थर्टी सेवन नहीं रहेंगे तो अराउंड फोर्टी इज बिल, बिल्कुल सेफर आंसर ओके <coughs> मैं आपसे कह रहा था आ, क्या बात कर रहे थे हाँ जिनकी नेटवर्थ कितनी है फटाफट -फड़ से बताओ जिनकी नेटवर्थ कितनी है उस वक्त 500 करोड़ थी वैसे आपको क्या 2015 के बारे में सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2015 में लिमिट क्या थी नहीं पूछा जाना चाहिए पर इंस्टीट्यूट बेवकूफ और बदतमीज है उसने इस बार के एमसीक्यूज जो रिलीज किए उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया कि जब इंडिया आए थे तब ये लिमिट कितनी थी समझ तो में आई बात मतलब तो अजीब बात है भाई और लिमिट बेकार है अब क्या करोगे आपसे मैं बोलूं आज से दस साल पहले का इनकम टैक्स का रेट बताओ तुम बोलोगे यार वो रेट का मैं क्या करूं वो रेट था कभी और कितना याद कर लोगे पर असल में ये लोग जो है वहां बैठे हैं ना ये दिमाग लगाते ही नहीं है बना वही क्वेश्चन पुराने घिसे पिटे हैं उन्हीं को उठाकर क्वेश्चन में में एमसीक्यू बना दिया कि 2015 में जब ये आए तो तो कराऊंगा तो मैं कितनी लिमिट करोड़ की लिमिट ओके मैं अभी लिमिट को, तो मैं ध्यान रखना मैं पंद्रह की नहीं बताऊंगा दो की यही बताऊंगा बस तो 2015 में उस समय लिमिट क्या थी 500 करोड़ थी नौ अच्छा आगे भी मैंने लिखा हुआ है आजकल ये स्टैंडर्ड किस पर अप्लाई होते हैं जो कंपनियां भी लिस्टेड है या जिनकी नेटवर्थ कितनी है ढाई सौ करोड़ है उन पर इंडिया सप्लाई होते हैं <coughs> ओके वैसे मुझे फटाफट से बताओ कोई कंपनी का एग्जाम्पल दो <coughs> जैसे कि फिजिक्स वाला फिजिक्स वाला पाइजूज, अन अकेडमी मैं अच्छा ये वाले नाम ही क्यों ले रहा हूं क्योंकि ये नामों से आप मेरे ख्याल से ज्यादा मिले हुए हैं आप लोगों ने देखे होंगे ना अनकेडमी आपके पास कभी ना कभी इसका पाला पड़ गया होगा या कभी ना कभी आपको फिजिक्स वाला का पाला पड़ गया होगा सी ये तो क्या कंपनी है वो छोटी सी कंपनी है बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं क्या आपको मालूम है फिजिक्स वाला या अनअकेडमी की नेटवर्थ नेगेटिव है हे? क्या आपको मालूम है उसकी नेटवर्थ क्या है नेगेटिव है क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा है तो नेटवर्थ क्या है नेगेटिव है फटाफट से बताओ क्या इस पर इंडिया सप्लाई होते हो और लिस्टेड भी नहीं है क्या वो लिस्टेड है और लिस्टेड भी नहीं है तो क्या उस पर एयर सप्लाई होते होंगे तो क्या इंडिया सप्लाई होते होंगे उस पर एयर सप्लाई होते लेकिन मैं अगर कोई बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की टाटा की महिंद्रा की या ऐसे केसेस की तो इनकी नेटवर्थ कितनी है अरे भाई साहब इनकी नेटवर्थ तो लाखों करोड़ है कितनी लाखों करोड़ तो ये क्या अप्लाई करते होंगे ये अप्लाई करते एक बच्चे ने पूछा नेटवर्थ का क्या मतलब होता है नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड।, फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ओके और ध्रुव ने भेजी नेटवर्थ मुझे किसी रिलायंस की नाइन सेवेंटी टू थाउजेंड करोड़ माय गॉड नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड करोड़ की नेटवर्थ है उसकी ओके okay, तो उन पर क्या अप्लाई होते हैं इंडियस अच्छा एस और ग्लोबल स्टैंड जो इंड एस है और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं इनमें क्या अंतर है तो मुझे फटाफट -फड़ से बताओ कितने डिफरेंसेस हैं लगभग सेम है बट फ्यू डिफरेंसेस हैं बताना कितने डिफरेंस बताए मैंने आप सात डिफरेंसेस अच्छा जब भी कुछ एडिशनल चीजें डाल दी जाती है इंडिया में तो उसे क्या बोलते हैं जब भी कुछ एडिशनल चीजें इंडिया में डाली गई तो उसका नाम क्या था कार्व इन इनका मतलब क्या हो गया हमने अपने पास उसमें कुछ डाला और कार्व आउट का क्या मतलब है हमने कोई चीज बाहर निकाली जब भी कोई डेवियेशन है कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया इन्हें कार्बाउट बोलते हैं अराउंड नाइन टू टेन डेवियशन एग्जिस्ट ऑन दैट डेट अगर आप सात बोल रहे हैं ये नाइन टू टेन है तो डेविएशन पिछले साल कम हो गई है आप यहां पर भी सात कर सकते हैं यहां लिखे सेवन डेवियशन एग्जिस्ट ऑन डेट डेट ये मेजर है ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है मेजर <coughs> का मतलब ये कि माइनर तो बहुत सारी हैं माइनर कौन सी हैं अगर आप आप कहेंगे सर माइनर में कौन सी हैं आप जानना चाहते हैं माइनर अंतर कितने हैं जिनको हम बोलते हैं माइनर है पहली बात तो ग्लोबली बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं कहा जाता ग्लोबली बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ आप बोलो क्या बोलते हैं शायद सुना हुआ हो ग्लोबली बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ नालायक एक बच्चा कह रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दूसरा कह रहा स्टेटमेंट ऑफ़ पोजिशन हा 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 यह उसका नाम है तो विश्व भर में सारे लोग क्या बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन हम इंडिया में क्या बोलते हैं हम इंडिया में क्या बोलते है? हैं हम बोलते हैं बैलेंस शीट ओके हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं इंटरनेशनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस हम क्या बोलते हैं हम अपने पास बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या ये कोई मेजर डिफरेंस है कि माइनर डिफरेंस इनको हम बोलते हैं माइनर डिफरेंस कोई गुलाब को गुलाब ना कहा जाए तो कोई गुलाब थोड़ा कम थोड़ा हो जाएगा वाह वाह कह सकते हैं <coughs> गुलाब को गुलाब ना बोलेंगे तो क्या उसकी सुगंध में कोई ग, कमी आ जाएगी कुछ भी नहीं, नहीं है वही बैलेंस शीट है उसी का नाम स्टेटमेंट ऑफ ना फाइनेंशियल पोजीशन है इसका मतलब ये ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं है ओके ये ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं है अच्छा <coughs> एक और तो इंडिया ने क्या एक तो ये काम कर दिया अच्छा तो आइए थे ना उनमें कई जगह पर लिखा है आप ए भी कर सकते हैं या बी भी कर सकते हैं आप दाएं भी जा सकते हैं आप बाएं भी जा सकते हैं कहाँ लिखा हुआ आर एस में उन्होंने कहा ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है इंडिया ने कहा नहीं ए नहीं। ही करेक्ट है बस तो क्या ये मेजर डिफरेंस है कि माइनर डिफरेंस आपके पास इंटरनेशनली ऑप्शन मिलती है आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो इंडिया ने कहा नहीं नहीं हम ए वाली ही बात करेंगे बी वाली बात नहीं करेंगे कुछ बच्चे कह रहे हैं ये इसलिए माइनर है मेजर छोड़ो ये डिफरेंस ही नहीं है तो भाई अगर मान लो आपको कहा जाता है आप लेफ्ट भी जा सकते हैं राइट भी जा सकते हैं हमने कहा हम राइट वाली बात कर रहे हैं हम राइट ही जाएंगे तो फर्क क्या है वो ठीक तो है तो यही तो लिखा हुआ है वो एफ आर एस में अंतर क्या है आप कह रहे हैं डिफरेंस है डिफरेंस है जो आप फॉलो करेंगे इन एस तो क्या वो आपके आई एफ आर एस से अलग बात बोल रहा हूँ आई एफ आर एस भी तो लिखकर राइट जा सकते हैं हम भी राइट जा रहे हैं ओके ओकेशु कहरा बट जो बी जाएंगे और अगर हम एज ए तुम जा ही नहीं सकते इंडिया में आपका इन एस अलाउ ही नहीं कर रहा इसका मतलब हमने अपने पास कह दिया भाई साहब इधर ही जाना है ये डिफरेंस नहीं है ना क्योंकि तो आप अगर इंडियस अप्लाई कर रहे हैं तो आप बी को ऑप्ट कर रहे हैं बी में ही जाना अलाउड है और आपके आई आप में में लिखा है 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 बी जा सकते हैं तो ये डिफरेंस है नहीं है। ओके इसको हम अपने पास कार्विन कार्वाउट नहीं बोलते हैं इनको हम काउंट ही नहीं करते तो अगर हम इनको भी काउंट करें तो ये मोर देन हंड्रेड डिफरेंस हो जाएंगे कितने हो जाएंगे मोर देन हंड्रेड इसका मतलब हमने उन स्टैंडर्ड में बड़ी सारी जगह पर ऑप्शंस को रिमूव कर दिया है कि तुम ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो तो रिमूव कर दिया है एग्जाम के लास्ट डे तुम खेलने भी जा सकते हो तुम खाना खाने रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो ये ऑप्शन कहाँ लिखी हुई है आइए फारस में पर तुम्हारे घर का रूल है एग्जाम देने के बाद सिर्फ और सिर्फ खाना खाने रेस्टोरेंट में ही जाना अलाउड है कोई दिक्कत नहीं है ये डिफरेंस हुआ ही नहीं ओके तो जो आपको विदेश में कहा जाता है वही तो इंडिया में भी कर रहे हो दोनों तो अलाउड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ओके तो ऐसे करके बड़े सारे डिफरेंसेस एक बच्चे ने कहा जैसे कोई मेजर डिफरेंस का भी एग्जांपल दे दो मेजर डिफरेंस में क्या है क्या लॉस को कैपिटलाइज कर सकते हैं इंटरनेशनली नहीं कर सकते पर एक जगह पर इंडियस में आकर के हम बोलते हैं इंडियस के अंदर कि हम लॉस को भी कैपिटलाइज कर इंडियस वन जीरो वन में आकर के हम एक जगह पर लॉस को भी कैपिटलाइज करते हैं पैरा डी थर्टीन में आकर हम कहते हैं लॉस को कैपिटलाइज कर दो ये मेजर डिफरेंस है कि यार लॉस को ही तुमने कैपिटलाइज कर दिया इन आपको ऐसा नहीं लिखा था अच्छा हमने कोई नया पैरा डाल दिया तो ये क्या है कार्व इन है कि कार्वाउट है हमने ये नया पैरा डाल दिया कि लॉस को कर सकते हैं ये इन आ गया हमने कहा ऐसा कर, करना पड़ेगा तो यानी आर द द डिफरेंसेस डिफरेंसेस यू यू नीड इन रियलिटी आंसर नो बिकॉज़ योर तो मैं अपने पास बोल रहा हूँ माइनर तो बड़े सारे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मेजर डिफरेंस कितने हैं मेजर डिफरेंस ही है हिमांशु ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है डिस्क्लोजर करके उसे ट्रांसपेरेंट बनाना कल शाम को तुम कहां गए थे घूमने के लिए तुम तो मम्मा को अगर बता रहे हो तो ये ट्रांसपेरेंसी और अगर नहीं बता रहे हो तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं ओके okay, मुझे मत बताना मम्मा पूछ रही थी तुम्हारी

तो हम बात कर रहे थे ये अच्छा हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आने का क्या कारण है हमारी कैपिटल क्रॉस बॉर्डर ग्लोबल कैपिटल आ रही है इंडिया में इसका मतलब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है हमारी कॉस्ट इससे कम हो जाएगी ग्लोबल अपने शेयर्स को लिस्ट कराना है तो आपको फायदा हो जाएगा क्या आपके पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस पर पूछा जाए आप कर सकते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन डाला ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताओ फटाफट से के क्या -क्या है? ये को बढ़ावा देता है ये रेलवेंट बनाता है अंडरस्टैंडेबल बनाता है कंपेरेबल बनाता है रिलायबल बनाता है क्या आपने कीवर्ड्स मैंने आपको दे दिए क्या बाकी अंग्रेजी लिख लोगे बाकी अंग्रेजी खुद लिखो पॉइंट क्या है और जरूरी नहीं है वर्ड बाय वर्ड लिखना है आपने इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है ओके okay? बट यही वर्ड अगर आपने ये भी ना करके सारा कुछ ही मन घड़ंत डाला तो नंबर नहीं मिलेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड कि की के साथ आप बाकी काम करो ओके okay? अच्छा क्वेश्चन <coughs> है बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोसेस क्या है इश्यू करने का फटाफट से बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करने का प्रोसेस क्या है चाहे ए एस है चाहे इन एस है दोनों का बराबर प्रोसेस है पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक मुद्दे को आइडेंटिफाई करता है आगे भूल गया मैं आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या बनाता है उसका ड्राफ्ट बनाता है फिर उसके बाद वो क्या करता है उस ड्राफ्ट को लेकर के पब्लिक के पास जाता है पब्लिक को कितने दिनों तक बोलता है पैंतालीस दिनों तक पब्लिक से कहता है कमेंट दे दो फिर उन कमेंट्स के ऊपर बेस्ड वो अपने पास उनमें से काम के कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता है फिर उस ड्राफ्ट को किसके पास लेकर जाता है फिर उस ड्राफ्ट को आईसीआई की काउंसिल के पास लेके जाता है अच्छा कौन लेके जाता है आई ए एस बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ओके वो लेके जाता है 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 तो काउंसिल उसको क्या करती है? पास कर देती है, और पास होते ही एएस का जन्म हो जाता है क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोले भटूरे वाला और छोटे दुकानदार अप्लाई करेंगे हाँ वो अप्लाई करेंगे कंपनियां अप्लाई नहीं करेंगी क्या कंपनियां हमारे द्वारा हमारे इंस्टीट्यूट काउंसिल के द्वारा बने हुए स्टैंडर्ड फॉलो करती है नहीं <coughs> कंपनियों के स्टैंडर्ड डबल बेक होते हैं डबल बेक मतलब पहले किस बेकरी में बनेंगे बनेंगे पहले आईसीआई बेकरी बेकरी में में फिर किस दोबारा बनेंगे फिर भारत सरकार की बेकरी में बनेंगे तो हमारा ये स्टैंडर्ड किसके पास जाता है नफरा के पास जाता है नफरा उसके ऊपर अपना अध्ययन करता है अध्ययन करके उसकी रिकमेंडेशन भेजता है वो रिकमेंडेशन किसको भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमारी आजकल मिनिस्टर कौन है <coughs> <coughs> हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या करते हैं वो उसे नोटिफाई करते हैं नोटिफाई में जो डेट कही जाएगी उस डेट से वो अप्लाई हो जाएगा ओके okay? वो डेट हो सकता है सेम डे हो हो सकता है वो अगले की डेट दे दे जैसे वुमेन्स बिल पास हुआ तो उसकी उन्होंने डेट कर दी अप्लाई बाद में होगा तो ऐसा हो सकता है कि सरकार भी उसको लेट अप्लाई कर दे अभिषेक अभी अभी जागे हैं वो कह रहे हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या अंतर है तो थ्योरी में पूरा पढ़ना पूरी हिस्ट्री में आपको सब चीजें मिल जाएंगे अगर ध्यान से सुनोगे तो ओके फिर आई एफ आर एस के क्या फायदे हैं आई एफ आर एस के क्या फायदे हैं फटाफट से बताओ आई एफ आर एस के क्या फायदे हैं ग्लोबल कैपिटल आसान हो गई ग्लोबल लिस्टिंग आसान हो गई और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव हो गया सस्ता तो भी पड़ता है ओके व्हाट डू यू मीन बाय कारबिन एंड कारव आउट कारबिन और कारव आउट क्या होते हैं ये चेंजेस होते हैं जो तो चेंजेस आपने किस में कर दिए आईएफआरएस एंड आई एस में चेंजेस करके आपने कुछ चीजें ऐड कर दी ये पहले डिलीट कर दी और कोई चीजें आपने ऐड कर दी कार्बिन कार्बाउट होते हैं अपने शब्दों में लिखने की आपको आदत आनी चाहिए ये ये कुछ नहीं ये पुराने क्वेश्चन है, 2018 और के सेम है, ये है। वो कहता है जी इसके अंदर बताओ क्या, है, इसके क्या, है, बेनिफिट बताओ। कि बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तो आपने वही बेनिफिट लिखने हैं कंसिस्टेंसी आ जाएगी और डिस्कलोजर हो जाएगा और कंपेयर ओके पांचवा और छठा क्वेश्चन सेम अच्छा सातवां क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन के लिए आप वेट करेंगे तो सेवेंथ क्वेश्चन के लिए वेट क्यों करवा रहे हो आपने सेवेंथ क्वेश्चन को क्यों नहीं कराया सेवेंथ क्वेश्चन जो है हम आपके साथ कहीं और पढ़ेंगे ये देखो सेवेंथ क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है इन चैप्टर नंबर टू तो मैं आपके साथ ये करूंगा इन चैप्टर नंबर टू चैप्टर 2 जब पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन 24 सेम क्वेश्चन है तो मैं आपको तब वो कराऊंगा ओके तो सेवंथ क्वेश्चन मैंने आपका छुड़वा दिया बाकी आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए आपको इसमें से क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से क्या पूछा जा सकता है देयर इज अ मोर चांस फॉर एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक पहले पुराने टाइम पर इसके ऊपर एमसीक्यू के चांस कम थे और थ्योरिटिकल थे बिकॉज पहले एमसीक्यू आते नहीं थे क्योंकि मई 2024 से एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो गए आपको मालूम है कि नहीं मालूम है एमसीक्यूज आ गए आपके कोर्स में तो आपको ये थ्योरी जो मैंने बताई ना ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्या इसमें से कोई भी तरह से एमसीक्यू घुमा फिरा के बनाया जा सकता है द आंसर इज यस आपको ये कह सकता हूँ आप हमारे ये ये कर कर जाना ये नोट्स कर जाना उतना भी काफी है और तुम्हें अगर हिस्ट्री पसंद आई हो तो हिस्ट्री पता होनी चाहिए हो तो तुम्हें पता ही नहीं की तो तुम्हारी हिस्ट्री क्या थी तुम्हें मोटी मोटी हिस्ट्री पता होनी चाहिए इसलिए ये वीडियो को दोबारा दोबारा भी देख सकते हो ताकि आप लोग भी ये जो हिस्ट्री है कि आप आगे लोगों को पासन कर सको ओके अभी मेरे पास एक और नहीं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आ, अनन्या आप इनको पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा अगर एम में तो आपको फिर तो सिलेक्शन ही करनी है हाँ कुमकुम कुमकुम -कुम कह रहे हैं सर आज क्लास जल्दी छोड़ देना क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल जाना है वेरी गुड और भी बेटा आप अपने और कोई काम है किसी को तो बता दो तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कुमकुम -कुम ने हॉस्पिटल जाना है वो कह रहे हैं जल्दी छोड़ दो और भी बताओ भाई किसी ने कोई दूध लेने जाना है किसी ने अखबार लेने जाना है आप सारे बताओ फिर मैं क्लास तो ना ऐसा किया करूंगा सुबह तीन बजे शुरू कर दिया करूंगा <laughs> तीन बजे क्लास शुरू करेंगे अपना छह सात बजे से कोई दूध लेने जा रहा है कोई यहाँ जा रहा है ऐसे थोड़ा ना होता है कुमकुम -कुम, ठीक है आप बड़ी जल्दी स्वस्थ हो जाए इसकी मंगल कामना पूरी करते हैं सारी क्लास पूरी मंगल कामना कर रही है आपके स्वास्थ्य के लिए पर मैं क्लास नहीं छोड़ पाऊंगा ओके <coughs> ये देखो एक कह रहा है मैंने वॉशरूम जाना है एक कह रहा है मैंने नाश्ता करना भाई क्लास है नाश्ता तो तुम साथ, साथ कर सकते हो बल्कि वॉशरूम भी साथ साथ ही जा सकते हो अब तो एक और मुद्दा आता है कि सर हमारे देश में किन पर ए एस अप्लाई होते हैं किन पर इंड एस अप्लाई होते हैं हाँ चीकू कह रहा है क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ चीकू वॉशरूम से ही बोल रहा है क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ तो हर कब आओगे वॉशरूम से चीकू एक हमारा क्रिकेटर भी है उसका नाम भी चीकू है और उसका कल बेटे का जन्म हुआ है पता है आपको विराट कोहली का कल बेटे का जन्म हुआ है पहले तो मुझे उसका नाम ही पता नहीं चल रहा था ये नाम क्या है फिर बाद में पता चला उसका नाम है अकाए हाँ। अकाए अकाई। अब ये पता नहीं भाई अकाय का क्या मतलब है मैंने कहा अरे कमाली हो गई है तो ठीक है हाँ। अच्छा मून लाइट एक बच्चे ने कहा उसका नाम का मतलब है मून लाइट ओके अमन कह रहा है किसका नाम है बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ विराट कोहली का कल बेटे का जन्म हुआ है लेटेस्ट खबर दे रहा हूं आपको मैं ठीक है और आज किसानों का मार्च भी है दिल्ली में आपका हम समाचार भी सुना रहे हैं साथ साथ में ओके अब आइए मेरे साथ साथ मुद्दे पर <coughs> बोलो शर्मा जी ये समझ नहीं आ रहा किस पर एस अप्लाई होंगे किस पर इंड एस अप्लाई होंगे किस पर क्या अप्लाई होगा बोलो ना मुझसे ये, से ये समझ में नहीं आ रहा <coughs> तो मैं आपसे कह रहा हूं <coughs> देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंपनी है या नॉन कंपनी मैं आपसे पूछता हूं बताओ बेटा विराट कोहली पर क्या अप्लाई होता है फटाफट से बताओ तो आप सबसे पहले मुझसे पूछेंगे शर्मा जी विराट कोहली कौन है वो कंपनी है या नॉन कंपनी फटाफट से बताओ विराट कोहली भाई कौन है नालायक पता नहीं क्या क्या लिख रहा है नॉन कंपनी है <laughs> अगर वो नॉन कंपनी है तो इन पर जो अप्लाई होंगे वो क्या अप्लाई होंगे अकाउंटिंग सभी पे सर तो क्या विराट कोहली की भी बैलेंस शीट बनती होगी विराट कोहली का भी क्या पीएनएल बनता होगा हाँ भाई हाँ एक आदमी दिवालिया हो गया उसकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटिया ज्यादा थी वो लंदन भाग गया उसकी भी बैलेंस शीट बनती थी क्या नाम था उसका लंदन भाग गया उसका नाम था विजय माल्या ओके <laughs> और विजय माल्या की एक बात बात बताता हूं जय माल्या ना हमेशा ट्विटर पे ट्वीट करता है कभी भी नहीं करता है जिस दिन छुट्टी होती है ना भारत में जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उसका ट्विटर पे मैसेज आता है पैसे नहीं आता है तो सब लोग उसे बोलते हैं कि जिस दिन बैंक बंद होते हैं उस दिन ये ट्विटर पे आता है कि पकड़ ना ले कोई उसको तो वो उस व्यक्ति पर क्या अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग क्या आपको मालूम है मेरी भी बैलेंस शीट बनती है मेरा भी पी बनता है ओ माय गॉड शर्मा जी आपका भी पीनल बनता है द आंसर इज यस मैं सोल प्रोप्राइटर हूं मेरा भी बनता है मुझ पर क्या अप्लाई होते हो फटाफट से बताओ तो सारे बच्चे बताओ मैं कौन हूं मैं कंपनी हूं कि नॉन कंपनी हूं मैं नॉन कंपनी हूं तो मुझ पर क्या अप्लाई होता है अकाउंटिंग अप्लाई होते है. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन करता था मैं भूल गया अकाउंटिंग कौन इशू करता था ये ये अमेरिका इशू करता था ये अमेरिका इशू करता था नहीं आई सी ए आई इशू एक बच्चे ने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो तो बनाता था ठीक है वो तो कुक है खाली किचन है उसकी अगर वो कंपनी है तो आपका स्टेप नंबर टू आ जाना कि अगर वो कंपनी तो कंपनी है तो क्या अप्लाई करेगी तो आप उसके अंदर सवाल पूछेंगे क्या ये बिग कंपनी है जो कि इंडियस लगाती है अगर ये बिग कंपनी है जो कि इंडियस लगाती है वैसे मुझे बताओ इंडियस किन पर अप्लाई होंगे इंडियस अप्लाई होंगे जो कंपनियां भी लिस्टेड कंपनियां हैं जो कंपनियां भी लिस्टेड कंपनियां हैं चाहे वो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं क्या मैंने ढाई करोड़ बोला नहीं एक बच्चे ने कहा सर लिस्टेड कंपनियां क्या होती हैं लिस्टेड कंपनियां वो हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदने बेचने के लिए लिस्ट होती हैं यानी उनको आप स्टॉक मार्केट में खरीद बेच सकते हो उनके शेयर्स को उन्हें बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज ओके आ, किसी भी एक्सचेंज में हो बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो या एन में हो कहीं पर भी हो ओके हाँ जैसे बच्चे ने कहा रिलायंस पीसी ज्वेलर और रतन रतन पावर ओके रतन पावर मेरे को नहीं पता था बट एनी क्या, जिनकी नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू मैं भूल गया मोर देन और इक्वल टू कितनी है 250 आगे भूल गया लाख था ढाई सौ रुपए था आगे भूल गया मैं ढाई सौ करोड़ भाई हम आप सीधी बात है। हमारे देश में सारे स्कैम जो होते हैं किसमें होते हैं लाखों में के करोड़ों में याद रखो हमेशा सारे हमारे देश में स्कैम किस में होते हैं करोड़ों में तो ये भी क्या है करोड़ों में बात खत्म आपको रट्टा लगवा दिया मैंने साथ में ओके तो नेटवर्थ जिनकी क्या है ढाई सौ करोड़ अच्छा एक बात बताना चाहता हूं दो ऐसी संस्थाएं हैं कैटेगरी है जो लिस्ट होने के बावजूद भी इंडिया नहीं लगाती या जिनकी नेटवर्थ ढाई सौ करोड़ या उससे ज्यादा वो इंडिया नहीं लगाती उससे पूछो कौन कौन है जो बड़ा भी है पर एस और इंड एस नहीं लगाता बच्चे ने पूछा कौन है कौन है वो अरे 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 कौन है वो बैंक कोई नाम एग्जाम्पल बताओ किसी बैंक का नाम बताओ जो लिस्टेड हो वेरी गुड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोई नाम बताओ एक आधा और एच डी एफ बैंक बहुत है इतना बड़े सारे और भी हैं बेटा बस मैंने दो ही लिखे बैंकों पर अभी बड़ा होने के बावजूद लिस्ट होने के बावजूद इन पर इंडेस नहीं लगाए गए आ हा 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 तो इन पर इंडेस क्यों नहीं लगाए गए सर ये भी तो बड़े हैं इनके ऊपर इंडेस क्यों नहीं क्योंकि इसमें टांग अड़ा दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसने टांग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या तो अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ने किसी और, और संस्था पर भी टांग टांग क्यों है सर ऐसे कैसे टांगी जो आरबीआई हर जगह टांग क्या असल में आई एफ आर एस में या एन में अपना एक तरीका है रेकोगेशन का वो कौन बेड डेट है कौन बेड डेट नहीं है ये किस में लिखा हुआ है ये हमारे इंडिया से भी लिखा हुआ है और आरबीआई ने अपने भी रूल्स बना रखे हैं क्योंकि आरबीआई तो पहले से चलता आ रहा था और उनके नियमों में क्या है द्वंद है तो आरबीआई कह रहा है मेरे रूल चलेंगे बैंकों पर एनडीएस के रूल नहीं चलेंगे क्या आपको समझ में आ गई बात तो कौन दो लोग लड़ रहे हैं इंडियस तो भाई बताओ इंडियस किसने बनाए हैं बाहर से बन के आए हैं इंडियस तो हमने तो उसमें दो चार पॉइंट सात आठ डिफरेंस डाल रखे हैं बाकी तो सब बाहर से बन के आए हैं तो उनमें जितनी बातें लिखी हैं वो विदेशों से आई हुई हैं आरबीआई की बातों के साथ उनका क्या है घर्षण है लड़ाई है तो आरबीआई किसका है भारत सरकार तो है तो भारत सरकार ने बोला बैंकों पर इंडियस अप्लाई नहीं होंगे क्या कभी भी नहीं होंगे या कभी हो जाएंगे हो जाएंगे? इनके अंदर बैठ के चलती हैं इन दोनों की बातों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है कुछ आरबीआई बदलेगा कुछ एनडीएस को बदला जाएगा जब एनडीएस बदलोगे तो क्या आ जाएगा कार्व इन कार्व आउट कुछ ना कुछ इनडीएस चेंज करोगे कुछ आरबीआई चेंज करोगे तो हमारे देश में भी आ जाएंगे ध्रुव दुरु, ध्रुवा कह रहे हैं बैंकों पर कौन से एएस एस अप्लाई होते हैं वही वाले एएस एस जो आपके इंस्टीट्यूट वाले वही वाले स्टैंडर्ड लगाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या इंडियस लगाता है नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआई वाले स्टैंडर्ड लगाता है ओके अच्छा और कौन है जिन पर हमारे इंडियस अप्लाई नहीं होते हैं और है नाम है उनका इंश्योरेंस कंपनी कोई एग्जाम्पल दीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी जैसे एल है अच्छा और बताइए और जैसे टाटा है बजाज है वगैरह वगैरह बहुत है बजाज लाइफ इन इन पर भी अभी तक हमारे पास अप्लाई नहीं हुए इनके अंदर भी हमारे पास विवाद चल रहा है कि भाई इनके रूल्स जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनसे कंफ्लिक्ट करते हैं इस वजह से ये भी रुके हुए हैं इसका मतलब क्या आपको ध्यान रहेगी कि इन दो पर बड़ा होने के बावजूद भी इंडिया सप्लाई अप्लाई नहीं होते याद रहेगी बात की नहीं मैं आपको घुमा फिरा के बोलूंगा, पर क्या होता है? बोलूंगा है, बहुत बड़ा है आप आंसर क्या दोगे ये मत कहना अच्छा लिस्टेड है अरे ध्यान रखना लिस्टेड के आगे क्या लिखा है एक्सिस बैंक तो इस पर इंड अप्लाई नहीं होंगे ओके आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है एक बच्चे ने कहा रेलवे पर क्या अप्लाई होगा रेलवे और जो भारत सरकार की संस्थान है उन पर कोई भी ए एस और एनडीएस अप्लाई नहीं होता है ओके अच्छा अब हम बात करते हैं आगे तो बाकी की कंपनियां बच गई अब बताओ बाकी की कंपनियां कौन सी बच गई जैसे इसमें आ गया फिजिक्स वाला पाइजूज ठीक है अन अकेडमी <coughs> बहुत है या कुछ और एक बच्चा कह रहा अपना भी नाम लिख दो सी हालांकि भी है वेंचर्स बट वो कंपनी अलग है ओके बट एनीवे आपने बोल दिया तो मैंने यहां लिख दिया है इन कंपनियों पर क्या अप्लाई होते हैं इन कंपनियों पर अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग क्या अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग स्टेट ओके okay? तो मुझे ये बताओ आपको अगर कभी भी पूछा जाएगा तो कितने स्टेप्स लगाने हैं आपने दो तो स्टेप्स लगाने हैं अच्छा एक बच्चे ने बोला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर क्या होगा टू मेक इट सिंपल मंदिर पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा अच्छा। बड़े बड़े मंदिर है हमारे देश के अंदर तो मंदिर पर क्या अप्लाई होगा तो बताओ मंदिर कंपनी है या नॉन कंपनी है तो मंदिर क्या है नॉन कंपनी तो एएस तो अप्लाई होगा अच्छा अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट की कंपनी है क्या ऐसा भी हो सकता है सेक्शन एट आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन एट कंपनी वर्ड सुना हुआ है सेक्शन एट में कंपनियां हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां हैं तो सेक्शन एट तो की अगर कोई कंपनी है तो हम किधर जाएंगे हम कंपनी पर आएंगे अगर मान लो सेक्शन एट की कंपनी बड़ी है तो कहां चली जाएगी इंडिया में आ जाएगी नहीं तो किस में आ जाएगी अदर कंपनी ओके आई होप आप अब कभी भी टेस्ट कर सकते हैं दो ही तो बातें देखनी है आपने तो समझ में आ गई बात आ, अच्छा बीच में एक बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा सब्सिडरी कंपनी का ऊपर चलेगी उसकी क्वेरी वो एक बार दोबारा भेज देंगे तो मेरे को आसान रहेगा जी अच्छा एल एल किस में आएंगी एल नॉन कंपनीज में आती है एल कंपनी में नहीं आएगी ओके okay? तो हम उसको अलग से डील करेंगे आप मुझे फटाफट -फड़ से ये बताओ मैं चाहता हूं इसके अंदर और भी ज्यादा इलेबोरेट चर्चा करना क्या आप और भी इलेबोरेट चर्चा करना चाहेंगे अखिल गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती ही नहीं है वो बजट लेकर आती है उन बजट के हिसाब से काम करती है वो सिर्फ एक्सपेंडिचर बेस्ड है उनके यहाँ जनरल एंट्रीज नहीं बनती बैलेंस शीट नहीं बनती प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता ओके चलिए प्रखर अब मैं आपको ना इसको और भी डिटेल में करना चाहता हूं क्या आपको मोटा-मोटा समझ में आ गया हम एक स्टेप और नीचे उतरेंगे अब हम इसमें एक स्टेप और नीचे उतरेंगे पहले ब्रेक दे देता हूं आपको क्योंकि तो भी मेरी अगली चर्चा लंबी चर्चा है अगर वो लंबी चर्चा है तो मैं आपके साथ यहां पर एक ब्रेक लूंगा ब्रेक के बाद हम एक लंबी डिस्कशन और स्टार्ट करें ओके वी हैव अ शॉर्ट 10 मिनट्स ब्रेक इंडियन रेलवेज कंपनी है क्या फटाफट से बताओ क्रिश इंडियन रेलवे क्या मिनिस्ट्री है ठीक है आप इस बात को समझो हम कंपनियों की बात कर रहे हैं या नॉन कंपनियों की जब बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम अपने पास सभी की बात नहीं कर रहे होते भी चर्चा करेंगे किन की नॉन कंपनी की बात कर रहे होते हैं ठीक है तो मिनिस्ट्रीज पर आप एएस और इंडिया सप्लाई नहीं करेंगे भारत सरकार नहीं बनाती है बैलेंस शीट ओके दीपांशु कह रहा है अगर वन परसेंट कंपनी है तो क्या इन लगाएगी? द आंसर इज यस एएस और आई में क्या अंतर है तो आप ब्रेक से पहले वाला पार्ट दोबारा से डाउनलोड करना और आपको पूरी जानकारी उसके अंदर दो दोबारा मिलेगी। okay? <coughs> काव्या कह रहे हैं क्या प्राइवेट कंपनी को लिस्ट कराया जा सकता है द आंसर इज यस अब हो सकता है इंडिया में भी पॉसिबल है uh... पर लिस्टेड कंपनी क्या लगाएंगे अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी लिस्टेड है तो उस पर इनरे अप्लाई हो जाएंगे ठीक है <coughs> आईआरसीटीसी लिस्टेड कंपनी है उस पर भी अप्लाई हो जाएंगे ओके आइए मेरे साथ-साथ <coughs> मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूं थोड़ी डिटेल्ड और ये आपको लिखना है क्या आप तैयार हैं अच्छा मुझे बस ये बता दो पहले <coughs> ये बता दो पहले लिखना <coughs> आपने अभी शुरू नहीं करना मैं आपको बता रहा हूं नॉन कंपनीज पर क्या अप्लाई हो रहा है नॉन कंपनीज पर क्या अप्लाई हो रहा है यस yes. कंपनीज क्या दो तरह की नहीं होगी एक जो लगाती है इंडियस एक जो लगाती है ए एस ओके कितने पार्ट हो गए जो मैं चर्चा करना चाहता हूं एक दो और तीन मैं ये तीन डिस्कशन करना चाहता हूं आपके साथ ओके आई वॉन्ट टू डिस्कस दो कंपनीज जो एनडीएस लगाती हैं या वो कंपनीज जो ए एस लगाती हैं या वो नॉन कंपनीज जो ए एस लगाती हैं तो मेरे तीन डिस्कशन होंगे आप मेरे साथ साथ लिखेंगे ये हाँ, सिंगल पेज पर आ जाएगा बारीक बारीक लिखना पड़ेगा आपको और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ जाएगी आपको तो चिंता की बात नहीं आप अपने पास इसको मेरे यहां से बाद में दोबारा डाउनलोड करके दोबारा भी तैयार कर सकते हैं अभी भी एक डिब्बा कम हो गया भाई तो अब एक काम करें थोड़ा सा इसको ही छोटा कर लें ये लीजिए अब आप अपने पास इसको बना सकते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन कितने डिब्बे हो गए भाई एक दो तीन एक दो तीन चार ठीक है ये डिब्बे बनाने हैं आपने अच्छा हम एक काम करते हैं मान लो आपका स्पेस मैनेजमेंट का इशू आ भी जाए तो घबराने की बात नहीं है पहले मेरे को बनाने दो फिर आप बाद में डाउनलोड तो हो ही जाएगा आप उसको आराम से फिर दोबारा से साफ सुथरा बनाना एक चार्ट के अंदर हम सब काम करना चाहेंगे ठीक है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक होती है कंपनी और दूसरी है नॉन कंपनीज वहां मैं बाद में जाऊंगा तो जो कंपनीज हैं कंपनीज अपने पास जो अप्लाई करती हैं, वो अप्लाई करती हैं कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 जो कंपनियां बिग कंपनीज हैं वो अप्लाई करती हैं कंपनीज नाम क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 अच्छा ये बताओ जब लिखा है कंपनीज जो अप्लाई करती हैं कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स तो इसका मतलब ये कौन सी बात हो गई कि एनडीएस वाली कंपनी आ गई जो एनडीएस वाली कंपनीज है. है तो भारत सरकार ने जो एनडीएस है वो किस रूल में इश्यू कर रखे हैं कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 में इशू कर रखे हैं okay? ओके फिर हम बात करते हैं देयर कैन बी सम कंपनी विच फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स दो अकाउंटिंग तो स्टैंडर्ड जिस कंपनी पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई होंगे उस पर एंड एस अप्लाई होंगे ये कंपनियां भी आगे दो तरह की होती कंपनीज एंड मीडियम कंपनी एस एम सी क्या बोलते हैं स्मॉल एंड मीडियम कंपनी थी क्या ये भी big companies हाँ ये भी बिग हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूं इनका नाम रख देते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सुपर बिग तो सुपर बिग कंपनियां इंडिया लगा रही हैं बिग कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स लगा रही हैं और स्मॉल एंड मीडियम कंपनियां भी ये रूल्स लगा रही है जो नॉन कॉरपोरेट एंटिटी यानी जो नॉन कंपनी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है जो किसमें इंगेज हैं जो एंगेज हैं इन कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज हम उनकी बात कर रहे हैं मुझे फटाफट से बताओ पॉलिटिकल पार्टीज क्या कोई कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है क्या वो भारतीय जनता पार्टी बोल दो या कांग्रेस बोल दो या समाजवादी पार्टी बोल दो जो भी पार्टीज आप जिनके बारे में बात करना चाहते हैं क्या वो कोई या कर रही है? no. क्या उन पर कोई अकाउंटिंग अप्लाई होंगे वो कंपनियां भी नहीं है इसका मतलब वो कंपनियां भी नहीं है जूम आउट रखो <coughs> वो कंपनियां भी नहीं है तो यानी पॉलिटिकल पार्टियां यहां पर भी नहीं आई और पॉलिटिकल पार्टियां यहां पर भी नहीं आई क्योंकि वो कोई कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही छोले भटूरे जो बेच रहा है मेरे ऑफिस के सामने क्या ये कोई कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है फटाफट से बताओ क्या ये कोई कॉमर्शियल कॉमर्शियल होता है खरीद के बेचना बिजनेस हो गया छोले भटूरे तल के बेचना इंडस्ट्रियल होता है फैक्ट्रिया लगाना क्या छोले भटूरे वाला ये काम कर रहा है चाहे वो छोले भटूरे वाला दिन में घाटे में जा रहा हो क्या उस पर एस अप्लाई होंगे फटाफट से बताओ क्या उस पर एस अप्लाई होंगे द आंसर इज यस क्या के अजीब लग रहा है आपको छोले भटूरे वाले पर एस लगाएंगे कौन लगाएगा छोले भटूरे ना छोले भटूरे वाले को पता है कौन भाई वो वो क्यों ए एस लगाएगा अगर छोले भटूरे वाले ने बैलेंस शीट साइन करानी है तो किससे साइन करा सकता है फटाफट से बताओ अगर छोले भटूरे वाले ने बैलेंस शीट साइन करवानी है तो किससे साइन कराएगा वकील भी साइन कर देते हैं आपको मालूम है वकील भी साइन कर देते हैं एडवोकेट साइन कर देते हैं पर उनके साइन की वैल्यू नहीं है किसके साइन चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट के साइन चाहिए अगर छोले भटूरे वाले ने बैलेंस शीट साइन करानी है चार्टेड अकाउंटेंट से तो चार्टेड अकाउंटेंट छोले भटूरे वाले पर क्या लगाएगा क्योंकि छोले भटूरे वाला नॉन कंपनी है और वो कमर्शियल काम कर रहा है वो एस लगाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा छोले भटूरे वाला बैलेंस शीट साइन ही क्यों कराएगा क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि छोले भटूरे वाला छोले भटूरे तल के बेच रहा है वो आप हमसे बैलेंस शीट साइन कराने क्यों आएगा क्योंकि उसे बैंक से लोन चाहिए और बैंक से लोन चाहिए तो आओ सीए साहब के पास नहीं तो फिर लोन महाजन से जाकर लो और महाजन फिर लोन दे भी देता है पर महाजन क्या बहुत ज्यादा ब्याज भी लगाएगा वो बहुत ब्याज भी लगाएगा इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है अगर आप लोन नहीं ले रहे हैं बैलेंस शीट साइन नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बट क्या छोले भटूरे वाला भी आपके पास साइन कराने के लिए आ सकता है यू आर चार्टेड अकाउंटेंट तो यू कान से क्या वो छोले भटूरे वाला भी तुमसे बैलेंस शीट साइन कराने आ सकता है उसे बैंक से लोन लेना है वो आ गया कह रहा सी एस साइन करो क्या आप उस पर अपने ए एस अप्लाई करोगे इंड एस अप्लाई करोगे तो छोले भटूरे वाला है कंपनी नहीं है क्या अप्लाई करोगे ए एस अप्लाई करोगे अब आप छोले भटूरे वाले को भी आगे चार नामों से बुलाते हो लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री और लेवल फोर तो कितने तरह के लोग आपके पास आ सकते हैं चार तरह के लोग आ सकते हैं ओके okay? यानी लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर लेवल वन को बोलते हैं लार्ज एंटिटी ओके okay? लेवल वन को बोलते हैं लार्ज एंटिटी तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं जो तो नॉन कॉरपोरेट है जो कंपनी नहीं है और हम उसके बारे में बात करते हैं आप मुझे भी, मुझे भी बताइए कोई कांगड़ा कांगड़ा बैंक बैंक सुना आपने नाम क्या आप ऐसी कोई भी आ, आप जाते हैं क्या नाम करके दिवाली मेले पे जाते हैं जब दिवाली मेला लगता है दिल्ली में लगता है लवकुश धार्मिक राम लीला कमेटी फटाफट से बताइए नाम सुना हुआ आप में से किसी ने सुना लवकुश लवकुश धार्मिक रामलीला कमेटी क्या लवकुश धार्मिक रामलीला कमेटी कोई कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी कर रही है कोई भी क्या ये कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही है सैयद कह रहा है नहीं कर रही है द आंसर इज यस कर रही है अब सुनिए ध्यान से सैयद कमर्शियल एक्टिविटी ये नहीं होती है कि रामलीला को देखना है वो रामलीला की ओट में क्या दुकानदारों से पैसे लेकर के स्टॉल लगवा रही है फटाफट से बताओ सैयद क्या वो लोगों से पैसा लेके करा रही है ये कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या पार्किंग वालों के लिए उसने ठेका जारी कर रखा और कह रखा है भैया पार्किंग के पैसे मुझे पैसे बताओ क्या ये धार्मिक रामलीला कमेटी भी कॉमर्शियल काम कर रही है द आंसर इज यस नथिंग बैड बैड इन दैट आई एम नॉट है है ओके सैयद कह रहा ये पब्लिक सर्विस है नहीं नहीं सैयद कौन सी पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं आप उसके अंदर ठीक है जहां आप कभी स्टेज वहां जाकर बात करना बोला मैन मेरे को भी यहां पर अपना एक स्टॉल बुक कराना है आपको बताओ चमड़ी दे तुम्हारी इतने पैसे मांग लेंगे तुमसे तो डोंट थिंक कि कोई पब्लिक सर्विस है ओके पब्लिक सर्विस में कुछ अलग भावना ही होती है तो इट्स नॉट लाइक प्राइमरी एक्टिविटी रामलीला की है वो एक भी एक्टिविटी कमर्शियल कर रहे हैं एक भी एक्टिविटी कमर्शियल कर रहे हैं तो इसमें कवर होगा एक हमारे यहाँ मंदिर है अब आप ये कहेंगे सर सारे मंदिरों के एग्जांपल क्यों उठा लेते हो आप एक मंदिर है जो कि बालाजी का मंदिर है बिल्कुल ध्रुव बालाजी का मंदिर है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बहुत बड़ा मंदिर है भारत का सबसे अमीर मंदिर है भारत का सबसे अमीर मंदिर है और मैं उस एग्जाम्पल को हमेशा क्यों लेता हूं ये बताने के लिए कि हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बालों का ओ माय गॉड हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बालों का क्या वो मंदिर कॉमर्शियल काम कर रहा है फटाफट से बताइए क्या वो मंदिर सैयद क्या ये कॉमर्शियल अब लोग तो वहां धार्मिक भावना से बाल उतार के आते हैं उसके पास इतने बाल पड़े हैं वो क्या करे उन बालों का वो उन बालों को क्या करता है एक्सपोर्ट करता है क्या ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है द आंसर इज यस अब मुझे फटाफट से बताओ

वो मंदिर उसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा है उसकी सेल बहुत ज्यादा है वो मंदिर लेवल वन का है ओके अब आप कहेंगे सर ये लेवल वन का क्या मतलब है पर मैं बोल रहा हूं देखो ये नॉन कॉर्पोरेट है पर बड़े लेवल का नॉन कॉर्पोरेट है कांगड़ा कॉपोरेटिव भी लेवल वन का है ऐसे ही अपने पास अच्छा जतिन कह रहा है आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं पहली बात तो मेरी क्लास में ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है मेरी क्लास में सिर्फ प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स हैं आप वहीं तक सीमित रखें कोर्स हाँ, मैं एग्जाम्पल वो ज्यादा इसलिए देता हूं क्योंकि वो ज्यादा लोगों के ध्यान में होते हैं ओके इसलिए डोंट गेट अबाउट दैट इन आवर क्लास जस्ट फोकस ऑन स्टडीज नॉट बियॉन्ड दैट ओके अच्छा हम बात करते हैं लेवल दो का भी कोई नाम है ऑल <coughs> लेवल तीन का भी नाम है पीडियम लेवल फोर का भी नाम है माइक्रो एंटिटी ओके इनको अपने पास माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटी बोला जाता है एम एस एम ई इनको लेवल दो से लेवल चार को माइक्रो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज बोला जाता है तो क्या इन्हें प्यार से मीडियम <coughs> से पहले क्यों बोलते है <coughs> अच्छा वो भाई जैसे मर्जी कर दो ओहो मैंने गलत लिख दिया सॉरी मीडियम लिखो से small लिखो मैंने गलत लिख दिया मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो ओके तो हम इसको बोलेंगे इस नाम से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज बोलेंगे इस तरह के ओके <coughs> okay? अब मेरी बात को ध्यान से सुन क्या आपके घर के पास वाला मंदिर भी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है बिल्कुल घर के पास वाला मंदिर ना उसके यहाँ कोई एक्सपोर्ट हो रही है लोग आते हैं माथा टेकते हैं पैसे दे जाते हैं क्या वो कोई कॉमर्शियल काम कर रहा है द आंसर इज नो अगर उसकी बैलेंस शीट आपने साइन करनी है तो ए एस लगाने की जरूरत है कोई अगर वो कोई कॉमर्शियल काम कर ही नहीं रहा मंदिर तो क्या उसमें आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने हैं द आंसर इज नो ओके okay. इसका मतलब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब लगेंगे अगर कोई भी कॉमर्शियल है भारत सरकार इसमें कवर नहीं होती है भारत सरकार कुछ भी कर ले चाहे कॉमर्शियल कर ले चाहे इंडस्ट्रियल कर ले उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते हैं इसका मतलब उनके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको यह समझ में आ गई अब हम बात करते हैं कुछ और <coughs> जो कंपनी जो भी अप्लाई करती है अप्लाई करने हैं एनडीएसो चलते, चलते, चलते। वन की भी सीरीज चल रही है यहां पर भी ना इंडिया में भी बड़े सारे हैं कितने स्टैंडर्ड हैं थर्टी सेवन सारे के सारे अप्लाई करने हैं ओके अब मैं आपसे कह रहा हूं हाँ, सब बात समझ में आ गई कोई मंदिर पैसे लेकर पर्ची कटवाता है अच्छा पार्थ ने कहा है कि कोई मंदिर में डोनेशन आती है तो डोनेशन का पर्पस क्या है बिल्डिंग बनानी है या कोई अगरबत्ती धूप खरीदनी है तो वो सब नॉन कॉमर्शियल है कॉमर्शियल का मतलब है अर्न या टेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी ओके तो वो इस तरह से है तो हमारे पास टेन सारे के सारे अप्लाई करेंगे की बात है क्या कोई माफी है हिंदी में लिखूं कि नहीं नो no, एग्जाम और रिलैक्से re क्या मतलब हुआ क्या बड़ी कंपनियों को एंड लगाने में कोई माफी है जवाब दें हां या ना क्या इंडियस लगाने पर कोई माफी है द आंसर इज नो सारे के सारे इंडीस लगाने पड़ेंगे कितने इंडीस हैं आज की डेट में 37 हालांकि ऊपर नीचे होते रहेंगे कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है इसका मतलब आपके लिए ये सारे के सारे अप्लाई होंगे इधर आ जाओ जो बिग कंपनीज हैं क्या मैंने आपको ये बताया बिग कंपनी में और इंडीस में अंतर क्या है ये नहीं बताया मैंने कहा जो बिग कंपनियां हैं वो लगाएंगी अपने पास अकाउंटिंग से। कौन से वाले एक से लेकर के उनतीस तक कोर्स इसमें से कौन से अप्लाई नहीं होंगे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं एक्सेप्ट क्या कंपनियों को जो एस लगाती हैं उन्हें कोई माफी है द आंसर इज नो एग्जाम्स और कोई माफी नहीं आ जाओ जो छोटी कंपनियां हैं तो मैं आपको ऐसा करता हूं मैं आपको एक छोटा सा नाम भी साथ में बताता जाता हूं कोई कंपनी का एग्जाम्पल दो जो एंड लगाती है ताकि बोल चाल में आसानी रहे कोई एग्जाम्पल दो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ये लो मैं नाम कहां लिख दू इसका यहां लिख दू रिलायंस इंडस्ट्रीज आर आई एल ओके ये आ गई एनडीएस वाली अच्छा क्या मैं यहां पे एक्सिस बैंक लिख दू बताओ

क्या उसके लिए कोई माफी है कोई माफी नहीं है अब आ जाओ बैंक में तो अप्लाई नेहा कह रहे हैं बैंक में तो अप्लाई नहीं होते क्या अप्लाई नहीं होते एस अप्लाई नहीं होते ना ये तो मैंने अपने पास क्या बोला है जो ए एस अप्लाई कर रही है तो नेहा फिर से ये वाला डिब्बा जो है ये इंदो का है ये वाला एनड एस का है थीके? तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो पा है कि नहीं कि जो कंपनियां इंड में आ गई जैसे रिलायंस तो यहां पर आ जाएंगी इसमें बैंक नहीं आते बैंकों को इसे मना कर दिया बैंक इसमें आ गए एएस में आ गए एएस में, में भी बड़े माने जाते हैं इसलिए हमारे पास कोई रिलैक्सेशन अभी देखिए धीरे धीरे पूरा होगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा जूम कर दें छोटी कंपनी का कोई एग्जाम्पल दो कोई छोटी कंपनी का एग्जाम्पल दो जैसे कि मैंने कहा मेरी कंपनी को लिख दो लाइन वेंचर्स प्राइवेट क्या ये छोटी कंपनी है हाँ बिल्कुल ही मैंने छोटी कंपनी पर ले आया क्या इस पर कोई माफी है इसको अपने पास क्या अप्लाई करने हैं इसको अप्लाई करने हैं ए एस एक से लेके उनतीस तक एक्सेप्ट एंड एट और इनके लिए एग्जामशन अवेलेबल इनको एग्जामशंस अवेलेबल क्या एग्जाम्शन है नजदीक करें क्या एग्जाम्शन है फुल है एंड याद करने के लिए सत्रह तीन कितने होते हैं फटाफट -फड़ से बताओ थोड़ा घटिया तरीका है बट याद रहेगा सत्रह तीन कितने होते हैं बीस हो गया याद तुमको फुली एग्जाम हो गया कहीं कहेंगे ये कैसा तरीका था सत्रह तीन बीस सोलह चार बीस भी तो हो सकता है वह ऐसे ही है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसका मतलब फुली एग्जाम हमने अपने पास कर डाला पार्शली एग्जाम पंद्रह नंबर पार्शली एग्जाम कर दिया पंद्रह नंबर अब बताओ बीस में से पांच गए तो कितने बीस में से पांच गए तो कितने पंद्रह याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये तो बड़ा अच्छा आसान तरीका हो गया कुछ डिस्क्लोजर पर भी माफी है कुछ डिस्क्लोजर पर भी है। डिस्क्लोजर पर क्या क्या एग्जामिशन है आपको डिस्क्लोजर नहीं देना एस उन्नीस का अट्ठाईस का उनतीस का अब इसे कैसे याद रखें बताओ इस बार फरवरी कितने महीने का है कितने दिनों का है इस बार फरवरी में कितने दिन होते हैं उनतीस पिछले साल कितने दिन थे पिछले साल कितने दिन थे अट्ठाईस तुम्हें कौन सा पहाड़ा सबसे मुश्किल लगता था दूसरी क्लास में तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल पहाड़ा कौन सा लगता था उन्नीस सारे याद हो गए ठीक है? <laughs> मुझे ये बताओ क्या एल्डाइन सी ए को एस थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या बनाने की आवश्यकता है क्या एल्डाइन सीए CA को कैश फ्लो बनाने की आवश्यकता है नहीं एस सत्रह जो है वो सेगमेंट रिपोर्ट का है सेगमेंट रिपोर्ट वही जो बारहवीं क्लास में तुमने प्रोजेक्ट किया था याद है कुछ क्या तुमने ट्वेल्थ क्लास में कोई प्रोजेक्ट किया था तुमने प्रोजेक्ट किया था सेगमेंट रिपोर्टिंग का ही किया था आई होप सो सेगमेंट रिपोर्टिंग का ही किया था हाँ यही किया था ठीक है मुझे भी पता है कि तुमने यही प्रोजेक्ट किया था क्या मेरी कंपनी जो छोटी कंपनी है मुझे सेगमेंट रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता है द आंसर इज नो मुझे कोई सेगमेंट रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है एस ट्वेंटी है अर्निंग पर शेयर का क्या मेरी कंपनी को अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करने की बनाने की जरूरत है द आंसर इज नो मुझे ये बताओ मेरे को कुछ माफिया हैं पर क्या एक्सिस बैंक को कोई माफी है फटाफट पड़ से बताओ क्या एक्सिस बैंक को कोई माफी दे रखी है हमने कोई नहीं दे रखी क्या कारण होगा कि इसको नहीं माफी दे रखी इसको माफी दे रखी है अरे ये छोटी कंपनियां हैं भाई छोटी कंपनियों पे सारे एएस लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना फील करिए जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम पे सारा लोड नहीं डाल सकते थे ना तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे लिए माफी है जैसे-जैसे बड़े होते गए तुम पर सारा लोड आ गया सेम यही चीज यहां पर है अच्छा ये बताओ दिस कंपनी पर आप इंडिया सप्लाई करते हैं उनको सारे के सारे इंडिया सप्लाई करने पड़ेंगे फटाफट फड़ से बताओ जिन कंपनियों पर इंडिया सप्लाई होंगे कोई कोई माफी है है? कोई माफी है है? है। कि नहीं नहीं इसमें सारी सुपर बिग कंपनियां होती है इन्हें कोई माफी नहीं है अच्छा प्रज्ञा कह रहे हैं सर डिस्क्लोजर पर एग्जामिशन क्यों दे रखी है इससे तो ट्रांसपेरेंसी कम हो गई प्रज्ञा बस छोटा है ये मानकर के हमने माफ कर दिया चल जा तेरे लिए ये डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं वैसे मैं बता दूं वो डिस्क्लोजर गंदे हैं थोड़े बारीक हैं महीन हैं, वो कहता है छोटे छोटे धंधे हैं इनके के... <laughs> वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आपकी आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टॉपिक से आप स्टार्ट कर रहे हैं कि किन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं कब कब अप्लाई होते हैं क्या उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं तो आज आपकी यात्रा स्टार्ट हो रही है और आपके फाउंडेशन के रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाले हैं दिवाली के आसपास रिजल्ट आने वाले हैं तो आप सबको पहले तो मेरा प्रेम भरा नमस्कार <coughs> मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी आज क्लास चल रही है तो वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो आप सबको पहले तो मेरा प्रेम भरा नमस्कार और मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि अकाउंटेंसी जो है एडवांस्ड अकाउंटेंसी बहुत ही एक सिंपल सा पेपर है <coughs> नाम एडवांस है लेकिन पेपर बहुत सिंपल है उसमें <coughs> अगर हम कहें तो कुछ टॉपिक्स हैं पांच छह टॉपिक्स हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग होता है बाकी टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे तो आप उसके सिचुएशंस को समझेंगे तो आपको बड़े अच्छे रिसोर्सफुल लगेंगे इंटरेस्टिंग लगेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके आज क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और आप अच्छे से क्लासेस करेंगे अमर अभिषेक मुझे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैं भी सबके गुड मॉर्निंग के, के जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं बाद में बताऊंगा आपको तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से अपने अकाउंटेंसी को पढ़ना और अच्छे से प्रैक्टिल लगा कर करना बहुत इंटरेस्टिंग पेपर्स हैं और आपके लिए एडवांस अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये समझोगे तो आपको टैक्स समझ में आएगा ये समझोगे तो लॉ समझ में आएगा और ये समझोगे तभी ग्रुप टू स्टार्ट होगा ग्रुप टू के पेपर सारे के सारे ग्रुप वन पर कनेक्टेड हैं इसका भाई कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना ग्रुप वन इंस्टीट्यूट ने यहाँ डाला और ग्रुप टू को अलग डाला तो इसका मतलब एक लेवल होगा ना तो ग्रुप टू का लेवल अलग है ग्रुप वन का लेवल अलग है ग्रुप वन में भी अकाउंट्स को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है क्योंकि अकाउंट्स पढ़ते हो तो ही आपका टैक्सेशन तो ही आपका लॉ आपके दिमाग में जाता है कि ये रियल सिचुएशन क्या हो रही है चार्टेड अकाउंटेंसी के अंदर भी वर्ड अकाउंटेंसी है ठीक है तो आपको अच्छे से अपना एक बेस बिल्ड करना है अकाउंटेंसी में और हम आपके साथ यहाँ पर हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था हम आपके साथ लाइव बीच बीच में आते रहेंगे और आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे और इसके अलावा आज तो आप क्लास करो फिर मैं फिर से आऊंगा आपके पास दिवाली से पहले आऊंगा और डिस्कशन करूंगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है और फिर फॉलोड बाई दैट्स दिवाली की छुट्टियों के बाद हम फिर से आपके साथ कनेक्ट होंगे ठीक है तो कंटिन्यू विद योर स्टडीज प्लीज थैंक यू एक बात बता दूं ये स्टैंडर्ड अप्लाई किसने करने हैं ये स्टैंडर्ड अप्लाई किसने करने हैं छोले भटूरे वाला अप्लाई करेगा कि तुम लोग अप्लाई करोगे शार्टेड काउंटेंट अप्लाई करेगा अब छोले भटूरे वाले के तुम अर्निंग पर शेयर भी निकाल रहे हो और सारे काम कर रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो उन्होंने कहा छोटे लोगों के तो आप सिर्फ इतना भी बना दोगे तो चल जाएगा ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रीजन कि फालतू डाटा देने का कोई लॉजिक नहीं है और वैसे भी आपको ज्यादा फीस भी नहीं मिलती

द आंसर इज नो कि ऑप्शनल है मर्जी है लेनी है तो लो मरना वर मत लो कौन सी दिक्कत है तो आई होप तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां पर ये यह एक्जंपशन है अच्छा क्या ये मैंने कंपनियों के बारे में बात करी थी हां तो अभी तक मैं कंपनियों की बात कर रहा था दीपांशु कह रहा है पार्शियल एग्जम्प्ट का क्या मतलब है पार्शियल एग्जाम में ना कुछ पैराग्राफ की लिस्ट दी होती है कि ये ये पैराग्राफ इन पर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है वो हम दीपांशु भी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे तो अभी मैंने खाली बोल दिया पार्शली एग्जम्प्ट है ओके देर आर फ्यू पैराग्राफ्स विच आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन कंपनीज ओके अब बारी आती है हम इधर जा करके अब हम बात कैसे करेंगे हां सागर कह रहा है ये कैसे पता चलेगा छोटा है कि बड़ा ये जगह भरेंगे तो पता चलेगा ओके okay? तो एक बच्चे ने पूछा है कि ये कैसे पता चले ये छोटा है कि बड़ा है ये हम जब यहां समझाएंगे डिब्बा भर के तो बताएंगे पहले आपको बता रहे छोटा होने के फायदे क्या है ओके फिर छोटे की परिभाषा भी बताएंगे क्या है अब आ जाओ लेवल वन मुझे ये बताओ लेवल वन वाले ये क्या है क्या ये कंपनियां हैं कि नॉन कंपनी हैं फटाफट से बताओ लेवल वन वाला क्या है ये है नॉन कंपनियां क्या इन पर अप्लाई क्या होंगे पहले तो ये बताओ इन पर अप्लाई क्या होंगे नॉन कंपनी है अप्लाई क्या होंगे ए एस एस कहां से कहां तक है कहां से कहां तक है एक से लेके उनतीस तक बार बार वैसे लिखने का फायदा नहीं पर लिखना पड़ रहा है कौन से स्टैंडर्ड छोड़ करके छठा और आठवां छोड़ करके सारे के सारे अप्लाई होंगे क्या लेवल वन के अंदर कोई एग्जाम्शन है द आंसर इज और रिलैक्सिंग मुझे कोई एग्जाम्पल दे दो लेवल वन की संस्था का लेवल वन की कोई संस्था का एग्जाम्पल दे दो जो मैंने आपको दिया था जैसे कि तिरुपति चल रहा तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ट्रस्ट ठीक है टीटीडी ट्रस्ट टीटीडी ट्रस्ट ओके टी -टी तो ये हमारे पास कौन सा मंदिर है बालाजी मंदिर ये कहां पर है बालाजी मंदिर बहुत सारी जगहों पर है ये कौन से वाले बालाजी मंदिर की बात कर रहा हूं मैं <coughs> मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश के अंदर है ये आंध्र प्रदेश के अंदर ध्रुव कह रहा मुंबई में अरे मुंबई की बात नहीं कर रहे आंध्र प्रदेश में है और जगह का नाम एग्जैक्टली बोलो तो तिरुपति है ओके

वो कंपनी नहीं है नॉन कंपनी है तो इसमें आ जाओ क्या सीए फॉर्म कॉमर्शियल इंडस्ट्री या बिजनेस काम कर रही है कि धार्मिक काम कर रही है बिल्कुल प्योर धार्मिक काम कर रही है बताओ जरा क्या कर रही है सबसे ज्यादा धंधे में लिप्त यही लोग हैं अब बताओ सीए फॉर्म में कोई बड़ी सी ए फॉर्म का एग्जाम्पल दो कोई बड़ी सी ए का एग्जाम्पल दो <clears throat> जैसे पीडब्ल्यू सी ई वाई जी ओके okay, मेरे ख्याल से बहुत है ये बड़ी बड़ी जो फर्में हैं ये किस में आएंगी फटाफट -फड़ से बताओ ये किस में आएंगी ये लेवल वन में आएंगी तो इनकी जो बैलेंस शीट बनती होगी जो केपीएमजी की बैलेंस शीट बनती होगी क्या ये सारे के सारे ए एस लगाती होंगी ये सारे के सारे ए एस लगाती होंगी इतने ए एस एक से लेके उनतीस तक कोई माफी है कि नहीं है कोई माफी नहीं है अच्छा चलो छोड़ो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया भस्मासुर को भस्मासुर जो था भगवान शंकर पे हाथ रखने के लिए पहुंच गया भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया भस्मासुर को जिसके सर पे तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा और भस्मासुर ने बताओ सबसे पहले हाथ रखने का प्रयोग जो किया वो किस पर किया वो भगवान शंकर पे ही किया उसने कहा मैं पहले देख लू कि चलता है कि नहीं चलता है तो मैं तुम्हारे पे ही डालकर देखता हूँ भगवान शंकर दौड़े आगे वो बाद की कहानी है ये सारे एस किसने बना रखे हैं ये सारे एस किसने बना रखे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट फटाफट से बताओ क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी है कि नॉन कंपनी है क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी है या नॉन कंपनी है ओ ये कंपनी नहीं है नॉन कंपनी है इधर आ जाओ क्या आपका इंस्टीट्यूट कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी करता है क्या आपका कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी करता है तो आपको अंदर से फील होना चाहिए खुद ही पता होना चाहिए क्या वो आपको स्टडी मटेरियल बेचता है द आंसर इज यस बिल्कुल आपको स्टडी मटेरियल बेचता है ऐसे और भी बड़े सारे काम करता है जो कि कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस होते हैं मुझे फटाफट -फड़ से बताइए अगर वो ये काम कर रहा है तो वो किस में आता होगा बड़े में या छोटे में हम बाद में वैसे बताएंगे पर क्या वो बड़े में आता होगा द आंसर इज यस क्या इन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट पे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते होंगे कौन कौन से अकाउंटिंग से? एक से लेकर के उनतीस तक लेकिन कौन से दो नहीं वो बार बार बोलना ना पड़े फिर भी आपको याद रहना चाहिए छठा और आठवां ओके इधर आ जाओ अब मीडियम एंटिटीज क्या है हम मीडियम एंटिटीज की बात करते हैं जो लेवल वन से थोड़ी छोटी हैं ठीक है थीके? अब मैं इसके अंदर आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इनके अंदर अब नाम तो होंगे तो छोटे छोटों के नाम ही नहीं पता चलेंगे किसी को तो इसके अंदर हम बात करते हैं इस पर पहले बताओ लेवल दो पर अप्लाई क्या होंगे एक से लेके उनतीस एक्सेप्ट सिक्स एंड एट वैसे आप बताओ <coughs> क्या इनमें कोई एग्जामेशन होगी कि नहीं होगी क्या इसमें कोई एग्जामेशन होगी कि नहीं होगी होगी छोटे हैं भाई छोटों के लिए कुछ माफिया होंगी ही तो आओ देखिए, इसमें क्या एग्जामेशन है रेड पेन कहा चला गया तो इसमें एग्जामेशन अवेलेबल अच्छा ये एग्जामेशन क्या ऑप्शन होती है आंसर इज यस अवेलेबल है भाई लेनी है तो ले लो नहीं लेनी मत लो। एग्जामिशन है फुल एग्जामिशन है मतलब पूरा का पूरा एस ही माफ है किसका एस आगे भूल गया मैं एस तीन आगे भूल गया दिमाग में आई नहीं रहा इसके बाद कौन था सत्रह उसके बाद क्या था बीस अच्छा इनके लिए पार्शली भी कुछ एग्जाम है फटाफट से बताओ पार्शली क्या एग्जाम है पार्शली एग्जाम मतलब थोड़ा सा एस माफ हो जाएगा कुछ पैराग्राफ माफ हो जाएंगे कुछ माफ नहीं होंगे वो कौन है वो है पंद्रह और डिस्क्लोजर में माफी है यानी डिस्क्लोजर में माफी है और तो डिस्क्लोजर में कौन-कौन किसका पहाड़ा मुश्किल था फटाफट -फड़ से बताओ किसका पहाड़ा मुश्किल था 19 का पहाड़ा मुश्किल था फरवरी में पिछले साल कितने दिन थे 28 इस साल कितने दिन हैं उनतीस कई बच्चे कहेंगे सर ये बड़ा ही घटिया तरीका है याद रखने का पर देखो याद तो हो रहा है इससे भी बोलो ना हाँ याद तो हो रहा है आप ये तो नहीं कह सकते घटिया तो याद नहीं हो सकता अनन्या कह रहे हैं क्या बिग फोर कंपनीज नहीं है बिग फोर हमारे देश में कंपनीज नहीं है वो हमारे यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रही हैं वो फर्म ही हैं और कंपनीज में भी उन्होंने कंसल्टेंसी में काम कर रखा है उनकी डिविजन हैं वो अलग जगह पर हैं लेकिन जो केपीएमजी ऑडिट कर रही है उसकी बात करेंगे तो इसी में आ जाएगा ओके उन्होंने ना अपना असल में क्या है के अपने नाम से ऑडिट नहीं करती अब मुझे पता नहीं उसके अंदर ना उनके अपनी फर्मे बना रखी हैं बीएसआर या ऐसे करके कोई उनकी आ, संस्थाएं हैं उन्होंने सीए फर्मे बना रखी हैं अगर किसी को पता हो तो बता दीजिएगा या प... <coughs> मतलब उन्होंने अपने आगे नीचे ना दीजिए बी आर एस या ऐसा कोई नाम है पी एस आर एल एल पी अरिका ने बताया तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं ओके तो दे हैव देयर ओन सच काइंड ऑफ सेटअप बोलते है उसको ओके ई वाई के पी एम जी जो भी है अच्छा अब लेवल तीन पर आ जाओ <coughs> सेक्शन एट कंपनी नॉन कंपनी में कैसे आएगा कृष्णा सेक्शन आठ वाली तो इधर चली गई ये इंस्टीट्यूट सेक्शन आठ की कंपनी नहीं है ओके वो कंपनी ही नहीं है तो आप उसको ले आए पे अब इधर आ जाओ लेवल तीन पर वैसे ये बताओ लेवल तीन वाले क्या और भी ज्यादा छोटे हो गए लेवल तीन वाले और भी ज्यादा छोटे हो गए डिस्क्लोजर एग्जाम मतलब कुछ जगहों पर डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है ओके दूसरे बोलते हैं डिस्क्लोजर एग्जामिशन लेवल तीन में पहले बताओ अप्लाई क्या होते होंगे <coughs> एक से लेके उनतीस तक के और आठ को छोड़ दो एग्जामेशन अवेलेबल डिटो फुल एग्जाम पार्शियल एग्जाम डिस्क्लोजर एग्जाम तीन सत्रह बीस पंद्रह उन्नीस अट्ठाईस उनतीस क्या मैंने डिटो कॉपी किए हैं डिट्टो क्यों कॉपी किए हैं अरे लेवल दो में जिनको माफी है क्या लेवल तीन में माफी नहीं होगी इनकी कॉमन सेंस लगाओ भी लेवल दो में तुम माफ कर रहे हो तो लेवल तीन में भी तो वो पक्का होंगे दो वालों को दे दी तो इनको क्यों नहीं दोगे संचित नालायक बताया तो डिस्क्लोजर मतलब कुछ डिस्क्लोज नहीं करने की जरूरत है उसके अंदर ठीक है ना एक आंसर साथ-साथ सुना करो ठीक है मैं नाम ले ले के क्वेरी का आंसर नहीं दे रहा होता <coughs> इसमें कुछ और भी एक्सेम्पशंस इसमें कुछ और भी है कौन से पेन से लिखूं इधर आजा 18 चौबीस अठारह में छह जोड़ो तो क्या आया अठारह में छे जोड़ो तो क्या आया चौबीस तो और अठारह को कैसे याद रखे अठारह को याद करना है तो चौबीस में से गया तो क्या आया क्या गजब की बात है अठारह में छे जोड़ा तो चौबीस और अगर अठारह को याद करना है तो वही छे घटा दो चौबीस में से तो क्या आ जाएगा अठारह ओके ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ओके अब मैं क्या करूं आज की डेट में क्या है अब टीचर तरह तरह के आ गए हैं वो बच्चों को रट्टा लगवाते हैं उनके पास फैंसी तरीके है रट्टा लगाने के अब मेरे पास फैंसी तरीके नहीं है तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई अब कुछ भी कुछ भी कर सकते हैं स्नेहा कह रहा है ये तो बड़ा अजीब तरीका था पर तुम ये बताओ अठारह और चौबीस याद हो गए ना तुम्हारे को ओके बात खत्म हो गई इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एक बच्चा कह रहा है मैं चौबीस को याद रख सकता हूँ इस तरह से कि दिन में चौबीस घंटे होते हैं वेरी गुड इससे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो तुम दिन में कितने घंटे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते चौबीस घंटे कितने घंटे सोते हो अठारह घंटे ऐसे भी याद कर सकते हो कोई दिक्कत थोड़ी ना है ओके दिस इज हाउ यू थिंक एक बच्चा कह रहा है मैं छे को कैसे याद रखू हमारी क्लास का टाइम याद रखो सुबह साढ़े छह बजे ओके ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बस इतना ही लगाना है उसके अंदर ठीक है ना इसके अलावा हमारे पास इसमें दस और ग्यारह दस और ग्यारह दस और ग्यारह में क्या याद कराएं आपको दस और ग्यारह में क्या याद कराएं अब आप बताओ दस और ग्यारह एक बच्चा कह रहा है सचिन तेंदुलकर का जर्सी का नंबर दस है फिर नंबर का भी तो नहीं पता ना ओके <coughs> okay? वैसे तुम्हें बताओ दूसरी क्लास में टेबल दस में और ग्यारह सबसे आसान लगता था ठीक है <laughs> तो वही याद रख लो कि सबसे आसान टेबल कौन सा लगता था भाई मुद्दे की बात यह है कैसे याद रखना ये तुम्हारी सिरदर्दी है ठीक है मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ मेरे कारण तो ऐसे ही निकलेंगे ठीक है अपने अपने कारण ढूंढ लो अब आ गए लेवल फोर में अब आइए लेवल फोर में अब क्या यहां पर भी एस एक से लेके उनतीस तक सारे आएंगे यहां पर भी आएंगे अब मुझे ये बताओ क्या इनको जब आप एग्जामिशन दोगे अच्छा मुझे ये बताओ जो मेरे दफ्तर के सामने छोले भटूरे वाला है बिल्कुल छोटा सा आदमी कभी नहाया भी नहीं ढंग से वो छोले भटूरे वाला आदमी किसमें आता होगा वो किसमें आता होगा लेवल फोर में आता होगा लेवल वन में कहा एक बच्चा कह रहा है लेवल वन में भाई कोई छोले भटूरे वाला है भाई नहा के भी नहीं आता बोला तो आपको फिर कह रहे हैं क्या तो लेवल फोर में आता होगा फुल्ली एग्जाम क्या क्या है फटाफट पड़ से बताओ पुली एग्जाम क्या है एक बच्चा कह रहा है बार बार छोले भटूरे से बड़ी दिक्कत होती है याद होने में दिक्कत होती है क्योंकि सारा ध्यान छोले भटूरे में चला जाता है ओके अच्छा और मुझे ये बताओ क्या 18 और चौबीस भी रेड पेन से ही लिख दू अठारह चौबीस यहां पर भी है कुल पंद्रह डिस्क्लोजर उन्नीस मैं एक लिख के रब करूंगा पहले लिख दो और या आप दो मिनट बाद लिखना ओके मैं लिख के रब करूंगा अट्ठाईस उनतीस अच्छा बच्चे ने कहा आपने गलत लिख दिया यहां पार्शल लिखना था ओके पार्शल ओके एक नीचे से ऊपर जा रहा है उसका नाम है अट्ठाईस नंबर माय गॉड मेरी तो आंखें भर आई ये ऊपर चला गया है अब इसको कैसे याद रखना है ये तुमको सोचना है कि 28 नीचे से हट के ऊपर आया है ओके तो इसको तुमने याद रखना है ओके इसके साथ बगल में 22 नंबर भी आ गया है ग्यारह दुनी 22 बाईसवा एक और आ गया है और साथ में दो और आ गए हैं तेरा और छब्बीस तेरा छब्बीस तो मैं याद करा दूंगा आपको जल्दी ही तेरा दुनी छब्बीस छब्बीस अच्छा राज कह रहा है अट्ठाईस में विम बार आता है कितना घटिया तुम्हारा याद कराने का तरीका है राज अट्ठाईस रुपए का विम बार आता है कितना घटिया कोई सुन रहा होगा कहेंगे कैसे बच्चे हैं ठीक है ऐसे घटिया एग्जाम्पल दे रहे हैं वैसे शुरुआत मैंने की हुई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं हम टाइम पास कर रहे हैं से बताओ। बातों ही बातों। अच्छा बच्चा कह रहा है आपने दस ग्यारह ओह हो दस ग्यारह लिखना रह गया भाई दस ग्यारह लिखना रह गया दस ग्यारह तो लिखना था <coughs> क्या बातों ही बातों में सब याद हो गया है आपको द आंसर इज यस क्या ये जो छोले भटूरे वाला है उसके लिए छठा भी गया आठवां भी गया ये भी गया ये कितने हट गए बताना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह स्टैंडर्ड हट गए छोले भटूरे वाले के लिए और अभी कुछ और भी है जो हट रहा है अभी कुछ और भी है जो हट रहा है ओके इसका मतलब यह कि काफी सारे स्टैंडर्ड उनके लिए कम हो जाएंगे कि आपको फील आ रही है हम क्यों इतनी माफियां दे रहे हैं छोले भटूरे वालों को छोटे छोटे व्यापारी हैं माइक्रो काम कर रहे हैं कोई पान बेच रहा है कोई छोले भटूरे बेच रहा है उन पर क्या एस लगाओगे ओके okay. इसलिए ऐसा है इसके अलावा भी इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो इवेंट बेस्ड से इवेंट बेस्ड मतलब अगर इवेंट होगा तो अप्लाई होंगे वरना नहीं होंगे कुछ स्टैंडर्ड इवेंट बेस्ड है शादी होगी तो ही घर में शहनाई बजेगी ऐसे इवेंट बेस्ड ओके तो हम अपने पास बात करते हैं इनपे कोई माफी नहीं है इनको छोड़ दो इनपे कोई माफी नहीं है इनको छोड़ दो एस इक्कीस तेईस सत्ताईस और पच्चीस ये इवेंट बेस्ड है इवेंट बेस्ड का क्या मतलब है इवेंट हो तो लगाएं, वरना माफी है। इवेंट हो तो लगाएं, वरना माफी है oh my God! <coughs> अच्छा, क्या ये यहां पर भी आ जाएंगे एस इक्कीस तीस सत्ताईस पच्चीस एस इक्कीस तेईस सत्ताईस पच्चीस एस इक्कीस इक्कीस तेईस 27, पच्चीस तथा चौदह चौदह को हम लोग यहाँ लाल पेन से अच्छा एक बच्चा कह रहा है कौन सा इवेंट इक्कीस तेईस 27 कॉन्सोलिडेशन के स्टैंडर्ड है कंसोलिडेशन मतलब अगर मान लीजिए आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो अप्लाई होते हैं वरना नहीं होते हैं। पच्चीस नंबर इंटेरिम स्टेटमेंट का है अगर आप क्वार्टरली बनाते हैं तो अप्लाई होता है चौदह नंबर हो तो अप्लाई होता है वरना नहीं होता है क्या आपको मेरी बात समझ में आती है अच्छा आप एक बच्चा अभी भी इसको याद करने की बात कर रहा है असल में एक रियलिटी बताऊं कि आपके मन से ना खुद फील आ जाएगी मतलब मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसे याद करता हूं इक्कीस तेईस सताईस मुंह से अपने आप बाहर निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैंने इक्कीस के बाद दो जोड़कर तेईस निकालना है तो आप भी मेरे तरह प्रैक्टिस करते रहो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी अब मुझे यह बताओ अभी भी इसके अंदर एक मन में विचार आएगा कौन किसमें कि कि कौन आएगा इसमें कौन आएगा इसमें कौन आएगा क्या आप जानना चाहते हैं द आंसर इज यस चलो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है ग्रुप की सारी कंपनियों को जोड़कर एक इकट्ठी बैलेंस शीट बनाना उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड ओके इधर आ जाओ यहां पर अप्लाई होंगी के स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे किन पर लिस्टेड कंपनी और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंड एस किस पर अप्लाई होंगे तस्दीक कर दो किस पर अप्लाई होंगे लिस्टेड कंपनीज और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग व्हाट इज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग जिन्होंने लिस्टिंग की एप्लीकेशन दे रखी है भारत सरकार में स्टॉक एक्सचेंज में अगर मान लो मैं अपनी कंपनी को लिस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन डाल चुका हूं तो क्या हमारे पास इंडिया सप्लाई हो जाएंगे द आंसर इज यस वैसे एक रियलिटी बताता हूं जिस साल में हम लिस्टिंग कराते हैं हमारे इंडियस उससे अगले साल दर्शन देते इसका मतलब मान लो फरवरी का महीना चल रहा है और मैंने अपनी कंपनी को लिस्ट करा लिया तो मेरे पे इंडियस कब अप्लाई होंगे मेरे पे इंडियस अगले साल एक अप्रैल 2024 से अप्लाई होंगे आई होप यू अंडरस्टैंड इट यानी अगर इस साल में लिस्टिंग हो गई या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है तो अगले साल स्टैंडर्ड अप्लाई इंडियस हो जाएंगे याद रहेगी बात के नहीं ध्यान रहेगी लिस्टिंग किसकी किसी भी इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर की डिवेंचर की किसी की भी किस एक्सचेंज में किसी भी एक्सचेंज में इंडिया में इंडिया से बाहर इंडिया की कोई भी एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो रेकोगनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनमें कोई भी एक्सचेंज ओके क्या आपको समझ में आ गई ध्यान देना मैं बाद में बोलूंगा बैंक इसमें कवर नहीं होंगे वो बाद में बोलूंगा ओके <coughs> क्या जिन कंपनी नेटवर्थ नेटवर्थ क्या होती है नेटवर्थ होती है शेयर होल्डर फंड जिनकी नेटवर्थ पोर देन और इक्वल टू इस साइन को मालूम है आपको इसका क्या मतलब है पोर देन और इक्वल टू कितनी है 250 करोड़ <coughs> ये कब देखोगे ऑन इकतीस मार्च मतलब ये इकतीस मार्च को अगर किसी कंपनी की इकतीस मार्च 2023 हजार ध्यान इकतीस मार्च 31 मार्च 2023 को किसी की नेटवर्थ ढाई सौ करोड़ उससे ज्यादा है उस पर इंडिया अप्लाई कब होंगे उस पर इंडिया अप्लाई हो जाएंगे फर्स्ट अप्रैल कौन सा डेट फर्स्ट अप्रैल क्योंकि मैंने 2023 बोला नालायक लक्ष्य मैंने बोला था 31 मार्च 2023 को अगर कंडीशन पूरी हो गई है तो एक अप्रैल को अप्लाई हो जाएंगे ओके okay? हम 31 मार्च को ही ये कंडीशन को चेक करेंगे नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर कैपिटल इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस वो हमारी नेटवर्थ होती है <coughs> अच्छा ध्रुव कह रहा है क्या ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए द आंसर इज नो एनी कंडीशन इसका मतलब अगर हमने लिस्ट करवा ली और नेटवर्थ नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं इंडियस आ गए और अगर मान लो हमने लिस्टेड नहीं है और नेटवर्थ ज्यादा हो गई तो भी इंडियस आ गए हैं हाँ। इसके बगल में लिखा है शेयर होल्डर फंड ओके इसके बगल में क्या लिखा हमने शेयर होल्डर फंड ओके तो हमने कहा हम ये देखेंगे ये शुरुआत में लिमिट कितनी थी 2015 में ये 2015 में जब इंडस आए थे तो उस वक्त लिमिट कितनी थी? उस समय थी 500 करोड़ सिंबल पे खास देंगे क्या है नेटवर्थ इक्वल टू 250 करोड़ या मोर देन इक्वल टू 250 करोड़ सिंबल को ध्यान से देखें ये क्या है मोर देन और इक्वल टू दोनों आ गए 250 करोड़ तो हमारे पास 250 करोड़ भी इसमें कवर हो जाएगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की चार सौ सब्सिडरीज सब्सिड्रीज मतलब अंबानी जी ने अपनी मुख्य कंपनी के अलावा भी चार कंपनियां और बना रखी चार 400 कंपनियां बना रखी छोटी 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 बड़ी तो एक है लेकिन छोटी छोटी चार कंपनी अगर बड़ी कंपनी पर इंडियस लग गए तो उसके पूरे परिवार पर पूरा परिवार मतलब उस कंपनी के साथ जो छोटी कंपनियां हैं सब पर इंडियस लग जाएंगे का मतलब क्या अंबानी जी की एक कंपनी में अगर इंडियस लग गए तो उनकी कंपनी में और भी जो छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनीज हैं क्या उन पर भी इंडियस लग जाएंगे? ये एक परिवार में एक ही स्टैंडर्ड चलेगा एस या इंडियस ओके okay. इसका मतलब अगर आप पर लग गए इंडियस तो फिर इंडियस ही चल रहे होंगे आप पर और एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए एक बार अगर इंडियस लग गए तो फिर दोबारा वापस आना अलाउड नहीं है ये आपके स्टैंड उसमें लिखा हुआ है रूल्स में। अगर आपकी कंपनी अभी थी आपने इंडियस लगा दिए अगली साल आपने लिस्टिंग हटवा दी और आप छोटी कंपनी बन गए हैं आप इंडियस हटा पाएंगे द आंसर इज नो एक बार इस जगह चले गए तो लौट के वापस ना आ पाएंगे याद रहेगी बात मतलब ये आपकी ना क्वेरीज आपकी आउट होंगी इससे मेरी कंपनी पे लग गए एक बार इंड एस क्या मैं अगली बार हटा पाऊंगा उनको कि अरे अब मैं छोटा हो गया अब तो मेरी कंपनी छोटी हो गई है नहीं हट पाएंगे लग गए तो लग गए ओके <coughs> चलिए मैं ये बताना चाहता हूं इसमें नॉट अप्लाइज टू इंड एस ये कंडीशन पूरी होने के बावजूद भी नॉट अप्लाइज टू बैंक कंपनी यानी बैंकों पर इंड एस अभी भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं उन पर हमारी भारत सरकार ने रोक लगा रखी है और किन पर अप्लाई नहीं हो रहे मैं भूल गया और किस पर अप्लाई नहीं हो रहे और हो रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी किन पर अप्लाई नहीं हो रहे। एक बच्चे ने कहा है एनबीएफसी एनबीएफसी वाली कंडीशन हट गई है या तो बच्चे ने कहीं पुराने नोट्स पढ़ लिए हैं पहले NBFC भी इस लिस्ट में थी बट अब NBFC पे आ चुके हैं इसका मतलब आप लेटेस्ट पढ़िए आपको पुराने चक्कर में नहीं पढ़ना है ओके इसका मतलब आपको अगर ये दो कंपनीज हैं तो इसकी बात करेंगे अच्छा कुछ बच्चे ना एक क्वेश्चन बार-बार भेज रहे हैं बट मुझे नहीं ना मालूम है कि वो उसका आंसर क्या देना है कंपनीज लिस्टेड इन IGPI आल्सो फॉलो द इंडस अब IGPI अन दो है एक आईजीपी है जो हमारे दिल्ली में एक उन कोचिंग सेंटर है और एक आईजीपी एक एक्सचेंज आ गई है तो अब मुझे नहीं पता आप किसके कंटेक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आईजीपी जो कोचिंग सेंटर है उसकी बात कर रहे हैं कि आप स्मॉल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं अगर आप स्मॉल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये अप्लाई होगा यदि मान लीजिए वो रिकॉगनाइज है तो अन्यथा अप्लाई नहीं होगी ओके okay? <coughs> वापिस चलते हैं तो यहां पर यह आ गया तो मुझे ये बताइए <coughs> हमारे पास ये सिचुएशन में इंडिया अप्लाई होंगे ये मेरा टेबल पूरा हो चुका है अब बारी आती है अगर एक कंपनी पर अप्लाई नहीं हो रहे तो उस कंपनी पर क्या अप्लाई होगा उस पर अप्लाई होगा ए, आ, ए, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आगे हमारे पास यहाँ पर और लिस्ट आएगी बट वो चूंकि मुझे लगता है कि हमारे पास आज समय नहीं है उस लिस्ट को पूरा करने का तो हमने यहां तक की आपके साथ बातें कर डाली अभी ये चार्ट बाकी रहता है क्या इसमें ये पार्ट भी डिस्कस करना पड़ेगा कि बड़ी कंपनियां क्या होती हैं और छोटी कंपनियां क्या होती हैं हाँ। क्या ये भी अप्लाई होगा कि लेवल वन में कौन है लेवल टू में कौन है लेवल थ्री में कौन है लेवल फोर में कौन है ये भी होगा क्या ऐसा हो सकता है छोटा बाद में बड़ा बन जाए तो क्या होगा मन में क्वेरी आ रही है छोटा बाद में बड़ा हो जाए तो क्या होगा क्या बड़ा बाद में छोटा हो जाए तो क्या होगा क्या क्या ये भी भी है अश्मन कह रहे हैं क्या भी इंडियस लगा सकते हैं जी वॉल्ट्री भी लगा सकते हैं एक बार लगा लो वॉल्ट्री वापस नहीं आ सकते ध्यान रखना ओके तो मन में कई क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा फॉरेन कंपनीज भी यहां पर अप्लाई करेंगी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में रिपोर्टिंग कर रही है तो इंडियस अप्लाई होंगे लेकिन अगर वो इंडिया में रिपोर्ट नहीं कर रही है विदेश में है विदेश में ही पड़ी रहेगी तो इन दैट सिचुएशन हमारा कोई करने की आवश्यकता नहीं है है ये ये टॉपिक एक बच्चे ने पूछा कितना बचा हुआ है, तो ये वाला चार्ट पूरा करूंगा और दो या तीन छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करूंगा ये टॉपिक खत्म हो जाए ओके तो आज के लिए बस केवल इतना ही कल मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और कल फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पर भी चले आएंगे ओके तो ये आज की थियोरिटिकल पार्ट था मैंने आपसे कहा था आपको मैं फील करा लूंगा कि थ्योरी थ्योरी की तरह लगे प्रैक्टिकल जैसा लगे तो क्या मैं इसमें सफल हुआ हुआ कि कि नहीं आपको आपको मुझे बताना है कि क्या थ्योरी ही लगी या थोड़ा सा लगा कि नहीं लॉजिकल थ्योरी थी तो थ्योरी थ्योरी जैसी नहीं लगनी चाहिए थी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट और आपको देखो मैंने रटने का भी तरीका बताया है जरा बताना है, एक बार मैं भूल गया फुल एग्जाम्शन किस किस पर थी फुल एग्जाम्शन किस किस पर थी एस था तीन सत्रह बीस डिस्कलोजर एग्जामिशन किस किस पर थी डिस्कलोजर एग्जामिशन बच्चे ने कहा पंद्रह गलत जवाब डिस्कलोजर एग्जामिशन थी उन्नीस अट्ठाईस उनतीस मुझे बताना आप लेवल फोर की पार्शियल एग्जामिशन बताओ जी लेवल फोर की पार्शियल एग्जामिशन पंद्रह और उनमें एक और भी था बाईस अच्छा लेवल फोर की एग्जाम लेवल फोर की डिस्क्लोजर एग्जामिशन तो डिस्क्लोजर एग्जामिशन आएगी उसके अंदर ए एस उन्नीस अट्ठाईस नहीं उनतीस दस ग्यारह तेरह छब्बीस अच्छा इवेंट बेस्ड एग्जामिशन कौन सी है इवेंट बेस्ड एग्जामिशन कौन सी है इक्कीस तेईस सत्ताईस पच्चीस और अगर लेवल चार है तो चौदह भी है ओके अच्छा मुझे बताओ फुल एग्जामिशन लेवल फोर की कितनी है फुल एग्जामिशन लेवल फोर की वो कौन कौन है तीन सत्रह बीस और एक नीचे से आया था कौन था उसका नाम भूल गया मैं अट्ठाईस इसके अलावा अठारह तथा चौबीस वैसे आपको कोई याद करने में ऐसी तो नहीं लग रहा ना कि छे जोड़ना है छे घटाना है ऐसे कुछ नहीं आपको ऑटोमेटिकली पिक कर जाना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ओके okay? तो हमने अपने पास मोटा मोटा आपके साथ डिस्कस किया बाकी कल और बातें करेंगे आपके साथ तो आज के लिए केवल इतना ही और हम आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में और जोड़ेंगे क्योंकि हम अपनी क्लास की क्वेरीज वहां पर भी लेते हैं तो कल आप लोगों को हम टेलीग्राम पर अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको टेलीग्राम के बारे में पता है तो कनेक्ट होना कल हम फिर से आपको बताएंगे टेलीग्राम क्या है तो उसके हिसाब से आपको जो थैंक यू वेरी मच यू टुमारो मॉर्निंग बाय